आपका ये म्यूट है कुमार साहब, दीपक साहब आपका म्यूट है माइक। नागेश जी कहाँ हैं? राकेश जी आ गए, राकेश जी रांची में है। अच्छा, एम प्रसाद साहब आए क्या? और राम मोहन साहब, दिलीप सिन्हा साहब? राम मोहन साहब का तो कहानी आपको बताए, आप पता नहीं उनको क्या अभय नहीं, आएंगे आएंगे, वो जी टॉक से कुछ ग्रुप अलग एलर्जी चीज है है। उनको। नहीं, ग्रुप अलग चीज है और टॉक में आना अलग है। हाँ, हमने तो मैसेज भेजा है, देखें अब वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं। दिलीप सिन्हा साहब वो कहीं बाहर हैं? दिलीप सिन्हा साहब बोले हैं 2 सप्ताह बाद आएंगे, उनकी नतनी हांगकांग से आई है, तो उनको वेलकम करने में, उनको छोड़ने में, उनकी व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो अभी 2 सप्ताह उन्होंने कहा कि अब वो छोड़ दीजिए, फिर हम आएंगे। अब उनकी वार्ता किस पे, कि फॉरेन पॉलिसी या किसी ऐसे इंटरनेशनल इशू उनकी पे वार्ता वो करवाना? बोले कि हम सोच के बताएंगे। राम मोहन जी का भी स्लाइड हमने तैयार कर लिया था 12 तारीख के लिए, अब देखिए राम मोहन जी क्या रिस्पॉन्स देते हैं। नहीं, सर का तो एकेडमिक वाइज और मतलब जो प्रेजेंटेशन है वो तो सुपर्ब है ही, इतनी और अभय इतनी जी भी फॉरेन का भी सर्विस के कोई लिए। खराब नहीं है, अभय जी भी बहुत अच्छा ट्रेनर है, तो पता नहीं है अभय जी से उनको क्या अभय एलर्जी सिंह है। जी तो मास्टर, वो है, नेशनल रिसोर्स है। अच्छा, हाँ, वो भी IAS एलाइड सर्विस के हैं, अच्छे अच्छे आदमी हैं। हाँ, वो भी खुद भी मेरे ख्याल से डायरेक्टर हैं डिफेंस एकेडमी के, दिल्ली में है ना उसके डायरेक्टर। उनके फॉरवर्ड पर क्या क्या कमेंट करते थे अब। मेरे बैग निकाले, मुझे वो निकाल के मुझे बैठ जाना गाड़ी में, कल बात करूंगा। तुम समझ गए, मोटर साइकिल माने स्कूटर नहीं होता है मैं सर ना? कुछ शेयर कर रहा हूँ, वो स्क्रीन में आ रहा है सर। सर, चंद्रशेखर खान साहब से रिक्वेस्ट कर लेना अमिताभ जी। थोड़ा पहले ही किरण एको प्रकाश आए हैं, किरण जी वेलकम। ठीक है बेटा, रोक लेना, खोल खोल, ठीक किरण एक बेटा। प्रकाश जी आए हैं, अपना इंट्रोडक्शन देंगे। किरण जी वेलकम। हाँ बोल। अच्छा, थैंक यू बेटा। नहीं छोड़, राजेश कुमार, राजेश कुमार आए हैं, राजेश हेलो। कुमार आपका स्वागत है। हाँ जी, राजेश कुमार जी वेलकम। किरण जी और राजेश जी अपना परिचय देंगे क्या, जब तक प्रोग्राम शुरू हो रहा है। किरण जी और राजेश जी, राजेश जी और किरण जी अपना परिचय देंगे क्या। राजेश कुमार लेफ्ट, किरण जी बचे। किरण हेलो, प्रसाद साहब को आना चाहिए।
बस आप रुक गया तो हम चंद्रेश्वर खान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे शुरू करवा दिया जाए। जी जैसी आ गया क्योंकि आज के जो हम लोगों के सम्माननीय स्पीकर हैं बिल्कुल समय से आए हुए हैं और जोशी साहब भी आ गए हैं, नागेश जी आ गए हैं, कुमार जी आ गए हैं, धीरे धीरे मित्र लोग आएंगे। बहुत ही उपयुक्त विषय पर हम लोग कुमार साहब को सुनने जा रहे हैं। कुमार साहब आपका अभिनंदन वंदन और स्वागत है हम लोगों के। वैसे तो आप तो अमिताभ जी के साथ में काम किए हुए हैं तो सारी चीजों को आप जानते हैं, उनके जोश जुनून और जज्बा को, तो उसको जिस तरह से किसी कार्य के प्रति वो समर्पित रहते हैं और जब तक वो संपन्न नहीं होता है तो तब तक बिल्कुल उसके लिए लगे रहना ये उत्कृष्टता का एक उदाहरण है। तो वही एज ए फ्रेटर्निटी ऑफ गुड फ्रेंड्स, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग नोइंग एंड इंटरेक्टिंग विद द गुड पीपल, सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ दैट एंड यू हैव ऑब्लिज्ड अस बाय कमिंग, सो आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम एट दिस जंक्चर। वी वुड रिक्वेस्ट अमिताभ जी टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली स्टार्ट द प्रोग्राम। बड़े ही आतुरता, व्याकुलता और जिज्ञासा के साथ आपकी वार्ता की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप इतने अनुभवी हैं कि हम लोग इससे बहुत लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी जो उपस्थित मित्र हैं उनका स्वागत, जो आने वाले हैं उनका स्वागत और आपका विशेष स्वागत। तो अब मैं अमिताभ जी से आग्रह करूंगा कि कुमार साहब से को वो आमंत्रित करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा सर, आपका आशीर्वाद सबको मिलता रहे। और ये चंद्रेश्वर खान साहब को बता दें, इनको बेस्ट फैकल्टी अवार्ड ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला हुआ है और हमारे इथिक्स एंड वैल्यू के हमारे ये रह चुके हैं, एग्जामिनर रह चुके हैं। तो इनके बोली से मैं बहुत प्रभावित हुआ था, एक स्पीच दिया था उन्होंने कलकत्ता में और ये भी हमसे प्रभावित हुए थे, तो हम लोग तब से संपर्क में हैं। और दीपक जी जो नशा उन्मूलन की संस्था है ये दिशा, और दिशा की ये फाउंडर सेक्रेटरी हैं दिशा, और वो उन्होंने डिजास्टर पर और नशा उन्मूलन पर बहुत काम किया था। और पटना में हम लोगों ने एक बार सारे जज लोगों का एक सभागार था, उसमें हमने नशा उन्मूलन का कार्य करवाया था और शायद दिशा के तरफ से ही हुआ था। तो ये भी दीपक जी भी एक महान और एक अच्छे स्कॉलर हैं, जो जिसको पा करके हम लोग बहुत धन्य हुए और वी आर वेरी लकी टू गेट दीपक जी। और उन्होंने एक डिजास्टर पर भी बोलने का लिए हमसे कहा है और हम लोग डिजास्टर पर भी सुनेंगे। तो अब मैं चाहूंगा कि दीपक जी अब आप अपना प्रोग्राम शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी और बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब, आप लोगों ने मुझको मौका दिया। आप लोगों के बीच कुछ नशा से संबंधित जो हमारे एक्सपीरियंस हैं और जो हमारा किसी आप लोग जैसे लोगों से ही मिलकर के जो ज्ञान मैंने हासिल किया है, तो उस चीज को व्यक्त करने का मुझको जो आपने मौका दिया उसके लिए हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ।
तो सबसे पहले ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो समस्या नशा की जो है, उस समस्या के पीछे बहुत पुराना इतिहास है जुड़ा हुआ। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत रूप से ये बताना चाहूंगा, जब मैं स्टूडेंट था पटना यूनिवर्सिटी में स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का, तो एक छोटा सा समझिए सर्वे का कार्य इसी नशे से समस्या से लेकर के क्वेश्चनायर बना करके हमने कोशिश की कि एक सर्वे का हमारा जो कार्य था वो, तो उसमें हमने पाया कि नशे की सच में काफी समस्या है पटना में। और उस समय मैं मुझे याद है बीएन कॉलेज में मैंने दाखिला लिया था, सीएन साइंस कॉलेज में मैंने यूनिवर्सिटी में पोजीशन लिया, लेकिन फिर भी मुझे साइंस कॉलेज में उस समय पढ़ने का मौका नहीं मिला। और बीएन कॉलेज के हॉस्टल्स में भी मैं देखता था कि मैरिजुआना जो गांजा की जो समस्या है और भांग गांजा और इस तरह की समस्याएं काफी देखी गई, और ये ऑटो रिक्शा पुल और ये सब तरह के लोग थे, ये बात है 88 की। और उसमें हम लोगों ने मेडिकल फील्ड से एक डॉक्टर सीमा जो बाद में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर हुई और एक इंजीनियर थे गंगा प्रसाद महतो, तो हम और भी कुछ युद्ध के साथ मिलकर के हम लोगों ने एक संस्था को रजिस्टर किया जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस। और मुझे याद है कि जब मैं प्रगति मैदान में उस समय फेयर लगा हुआ था दिल्ली में गया था, और उस समय एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हमने संस्था को रजिस्ट्रेशन कराया था यूथ मोबिलाइजेशन फॉर नेशनल एडवांसमेंट। तो मैं जब वो प्रगति मैदान में सोशल वेलफेयर हुआ करता, उस समय वेलफेयर डिपार्टमेंट होता था मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, तो वो वेलफेयर में मैं जा रहा था तो मुझे लगा कि ये वेलफेयर का एक स्टॉल है, वहां से मैं कुछ एक स्कीम की किताब में ले रहा था। और उस समय वर्मा थे वहां के सेक्रेटरी, तो मैं बोल रहा था कि एक किताब मुझको आप दे दीजिए, मुझको मगध ट्रेन पकड़नी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो अलाउ नहीं है, आप ऑफिस में जाके आप ले सकते हैं और ये तरीका है। तो मैंने कहा कि मैं तो ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, मेरे को समय कम है, आप मुझे ही दे दें। तो ये जीरा हो रही थी तब तक पीछे से किसी ने मुझे पैट किया और बोला कि इनको दे दो आप। सच में सब खड़े हो गए, तो वो सेक्रेटरी थे उन्होंने मुझको किताब की एक प्रति दिलवाई और मुझसे इंट्रोडक्शन लिया, मैंने एक कार्ड छपवाया था उनको हमने दिया, तो हमने बताया कि पटना से मैं हूँ और इस तरह से एक संस्था हम लोगों ने स्टूडेंट्स हैं लोग सब स्टार्ट कर दिए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि अवेयरनेस हो नशा के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप सचमुच चाहते हैं तो हम आपको मदद करेंगे, और उन्होंने कहा कि आपको स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैंने कहा कि मेरे पास वो सब तो नहीं है सर, देखिए गवर्नमेंट से हम अप्लाई तो जरूर करेंगे स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन आई, लेकिन अब सर इसमें क्या टाइम लगेगा मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मैं जाकर के हमने अप्लाई किया, लेकिन वहां एक एडवांस कॉपी उन्होंने बोला था जिन्हें डाल दिया था, और 4 अप्रैल 1989 वो हमने पहला काउंसलिंग सेंटर बिहार, उस समय झारखंड हमारे साथ था, उत्तर प्रदेश में चूंकि मेरे मामा यहाँ पर एसपी थे सिटी एसपी थे तो यहाँ भी आने का मौका लगा, यहाँ भी कोई इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन उस समय स्टार्ट नहीं हुई थी, तो वी वर फॉर्चुनेट टू हैव फर्स्ट काउंसलिंग सेंटर एंड फॉर ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन सर ऑन 4 अप्रैल 1989 हमने स्टार्ट किया। तभी से मेरा एक्सपीरियंस जो है युवाओं के साथ और इस समस्या के साथ हुआ। हम लोगों ने अवेयरनेस का बहुत सारा काम किया, जैसे फिल्म के पोस्टर्स होते हैं तो उस तरह के पोस्टर जो छापते थे उसमें हम लोगों ने खोपड़ी का चिन्ह बनाया और लिखा नशा कोड़ी धीमी आत्महत्या है बातू, और अपना जो हमारे काउंसलिंग सेंटर थे उसका पता और फोन नंबर सब दिया, और लोग सिनेमा देखने वाले उस चीज को देखे बड़ा प्रभावित हुए, तो टारगेट ग्रुप सेम था, युद्ध थे सिनेमा देखने वाले भी, तो वो थोड़ा सा मुझको उससे धीरे धीरे हम लोग रात भर जो है वो रिक्शा पर बैठ करके ले करके उस पोस्टर को सारे युवा मिल करके, और उस समय बिना सिनेमा अर्जेंट सिनेमा सारे लोग के पोस्टर्स के बगल में हमारे पोस्टर भी आ गए। तो इस उत्साह के साथ हमने शुरू तो किया, लेकिन धीरे धीरे जो समस्या है उसके गहराई में जब जाने का मौका लगा तो पता चला कि ये ऐसी समस्या है सर कि अगर 3 बार कोई स्मैक जैसे कुछ चीजों को जो ओपिएट है उसको कोई लेता है तो वो गिरफ्त में आना ही है उसको, और उससे बाहर निकलना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ये बात है 88 89 90
91 में हम लोग के कार्यों को देखते हुए हम लोग को डी एडिक्शन सेंटर चलाने का केंद्र सरकार ने मौका दिया और उस समय से हम लोग 15-bedded एक डी एडिक्शन सेंटर पटना में हमने स्टार्ट किया और अब हमारे पास जो है वो 5 हम सेंटर सर चलाते हैं। जो बच्चे जो स्टेशन पे लोग सूंघते हैं आजकल देखिएगा वो पानी बॉटल वो चूंघते हैं बच्चे सब और वो कुछ सूंघते हैं वो व्हाइटनर जो होता है उसको वो सूंघते हैं तो उस तरह के बच्चे भी जो हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए क्योंकि चाइल्ड के लिए हमने अलग सेंटर स्टार्ट किया तो उस तरह का एक सेंटर सब हम लोगों ने स्टार्ट किया क्योंकि उनकी समस्या थोड़ी अलग है। उस तरह से फिर महिलाओं की भी आवश्यकता पता चली महिला भी जो थी उनके साथ भी समस्याएं काफी देखी गई और वो खुल के सामने आने की बात नहीं थी और पुरुष के साथ उनको रखा नहीं जा सकता था तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए भी एक अलग सेंटर इवन मैं बताऊं आपको कि ये सबसे पहला महिला सेंटर था बिहार यूपी और झारखंड का हम लोगों ने अलग एक स्टार्ट कर दिया। तो इन चीजों के बाद जब हम लोगों को पता चला कि ये समस्याएं जो है वो हर एक श्रेणी के लोगों को है और गवर्नमेंट का जो ग्रांट है वो उसके लिए बड़ी परेशानी हम लोग को उत्पन्न होती थी क्योंकि वो ग्रांट का जो सिस्टम था उसमें इंस्पेक्शन स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन और इसमें डेढ़ डेढ़ दो दो साल लग जाते थे स्टाफ को सैलरी नहीं दे पाता था। तो फिर हम लोगों ने ATG और 12 लेकर के सेल्फ सस्टेनिंग हमने सिस्टम को सर क्रिएट किया और बाद में हम लोग एक प्राइवेट कंपनी के साथ भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह भी रन करने लगे और गवर्नमेंट का ग्रांट हम नहीं लेते हैं सर जो भी पैसा प्राइवेट कंपनी अर्न करती है एक हॉस्पिटल चला के वो फिर हम लोग यहाँ गरीबों की सेवा के लिए यहाँ दे देते हैं और मैं अपनी जीविका के लिए एज ए कंसल्टेंट मैं डिजास्टर मैनेजमेंट के कार्यों में लगा रहता हूँ। तो अब मैं इन बैकग्राउंड को इसलिए मैंने शेयर किया क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस के लिए क्योंकि मैंने MSc स्टैट किया MSc मैथमेटिक्स किया MSc ऑपरेशन रिसर्च दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया लेकिन MSW मैंने जब मैं PhD कर रहा था ड्रग्स के फील्ड में तो मैं दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट था रिसर्च के लिए बहुत अच्छी किताबें वहां थी वहां जब गया तो मुझको लगा कि मैं इस फील्ड में हूं और इस तरह का कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मेरे पास नहीं तो मैंने वहां रिटेन टेस्ट दिया और मैं फिर जो है वो दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से मैंने मास्टर इन सोशल वर्क किया 95-97 में और अपने प्रोफेशनल जो कार्य है उसमें और कुछ हम लोगों ने चूंकि प्रोफेशनल कोर्स था तो हमने कोशिश की कि हेल्प देम टू हेल्प देम सेल्फ। तो अब जो कंसेप्ट सर जो है जो एक तो एडिक्शन है क्या तो पहली बात है कि जब हम ये पाते हैं कि किसी भी चीज का एक साइकोलॉजिकल और एक फिजिकल दोनों एडिक्शन हो जाता है जैसे चाय के साथ मतलब ये टॉयलेट का कोई रिश्ता नहीं पानी का रिश्ता हो सकता है लेकिन आप देखेंगे अखबार का टॉयलेट के साथ कोई रिश्ता नहीं अब तो अखबार कम लोग पढ़ते हैं पहले बिना अखबार के लोग को कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते थे बहुत सारे लोग को मैं जानता हूं। तो दीज आर द साइकोलॉजिकल फेनोमेना जिसमें आदमी को लगता है कि एवरी डे जो रिपीट करते हैं हम लोग अपने वो आदत बन जाती है और जब नशा की आदत होती है वो पोटेंसी भी काफी होती है और कोई सब्सटेंस अगर आप लेते हैं तो उसमें क्रेविंग होती है विड्रॉल्स होता है क्योंकि क्या होता है कि नर्व्स जो है उसके न्यूरॉन के जो पार्टिकल्स हैं वो नशा जो करता है वो टॉलरेंस लेते जाता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और उस मात्रा से अधिक मात्रा लेने पर उसके नर्व्स में जो है वो फिर संचार होता है न्यूरॉन का और उसके बाद फिर वो बेहतर फील करने लगता है उसके सारे अंग जो है वो नॉर्मल स्टेज में आते हैं। तो ये जो स्थिति होती है तो वो तलब में बदल जाती है लोगों को लगता है कि हमको कुछ चाहिए तो क्रेविंग हो जाती है तो ये पता नहीं चलता है युवाओं को पहले तो वो लोग जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट बड़े लोगों को देख के वो कुछ खा रहे हैं गुटखा कोई सिगरेट पी रहा है अपने पास आस पास लोग पहले शुरुआत करते हैं इस तरह से और उसके बाद कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है उसके मित्र सर्किल में जो कुछ नई ड्रग्स से उसको मेल करा देता है और उसके बाद वह आदमी धीरे धीरे उस जाल में फंस जाता है। तो ये जो एडिक्शन की समस्या है इसका और भी बहुत सारा कारण है ये तो एक नॉर्मल फेनोमेना है कि युवा जो है वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट में और भी बहुत जगह जहां जाते हैं वहां फिर फैमिली से थोड़ा अलग होकर के रहना पड़ता है ज्यादा समय युवाओं का आपस में
जो उनके एज ग्रुप के हैं उनके साथ को आपस में मेल मिलाप होता है और उसमें उनकी कभी कभी आदत हो जाती है। तो ये जो है ये लगभग 20-30% जो है वो बच्चे जो हम लोगों ने इतने पेशेंट्स को देखा, लगभग मुझे याद है कि हमारे 350 पेशेंट जो है वो हमारे पटना के सेंटर में 6 सेंटर्स में होते हैं और लखनऊ में भी हमने एक सेंटर स्टार्ट कर दिया था वो 2010 में। तो यहाँ भी लगभग हम लोग 40 पेशेंट्स को हम लोग कैटर करते हैं। तो उस हिसाब से जैसा हम लोग स्टैटिकल एनालिसिस भी करते हैं तो पाते हैं कि ज्यादा लोग जो है वो यंग लोग जो है 35 से समझिए 15 से 35 के बीच के ज्यादा नवयुवक जो होते हैं वो इस तरह के चक्र में पड़ जाते हैं और उसके बाद उनकी जो पोटेंशियल है वो पूरी तरह से अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे पथभ्रमित हो जाते हैं, परिवार से भी रिश्ता खराब हो जाता है और अपने रिलेशंस में भी उसका जो है वो कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता है और धीरे धीरे वो जो है वो समझिए कि एक नेग्लेक्टेड पर्सन होते हैं और अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं। तो ये जो समस्या है वो रिजेक्शन वाली समस्या से और ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो अब क्या है कि हम लोग जो देखते हैं कि ये बच्चे जो है वो यंग बच्चे को अगर अच्छे ढंग से हम लोग शुरू से ही पेरेंट्स जो है वो ध्यान दें, वो किस तरह के सर्किल में है, किस तरह से उनकी रूटीन है, किस तरह से वो जो है आप व्यवहार कर रहे हैं, बातों को किस तरह से वो रख रहे हैं, उनके जो विड्रॉल सिम्टम है उनको भी हम लोग अगर ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि जैसे स्मैक के एडिक्शन में एक अलग तरह का विड्रॉल सिम्टम होता है जो ओपिएट है, उसमें आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, पेट में ममोड़ा देना, उल्टी आना या आँख झपझपाना, तो इस तरह की चीजें जो है जब नशा ले लेते हैं तो आँख झपकाएंगे और वो कुछ अपने आप को अलग कर लेंगे, पूरा अलग बैठेंगे, अलग रहेंगे। तो इस तरह की स्थिति से कुछ सिम्टम क्या है इसकी पहचान के लिए भी पेरेंट्स को हम लोग को स्कूल के लेवल पे भी एक तरह का जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उसमें भी हम लोग को चाहिए इस तरह के कार्य हम लोग करें। और हमको लगता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अब तो बिहार में तो पूरी तरह से नशा को अल्कोहल को बंद किया गया है, लेकिन उसका दुष्परिणाम हुआ कि अब वो फिर से जो है सब्सटेंस की तरफ थोड़ा ध्यान लोगों का ज्यादा हो गया, क्योंकि क्या है कि जब कुछ नशा करने वाले एक ये ब्रेन डिसऑर्डर है, एक बार आदमी अब जब चक्र में फंस जाता है तो फिर उसका मेंटल मेकअप जो है वो उसको डिमांड करता है और उसकी पर्सनालिटी जो है उस तरह की बन जाती है कि वो झूठ बोल के किसी कारणवश वो जो है पैसा लेकर के फिर नशे के चक्र में ही वो चाहता है कि आज मेरा कट जाए। और हम लोग जो है इस तरह के बच्चों को पाते हैं, इस तरह के लोगों को पाते हैं, लेकिन अब उम्र की भी जो सीमा है वो हम लोगों को जो पेशेंट आते हैं तो 2% पेशेंट, 5% पेशेंट वो 60 साल के ऊपर के भी आते हैं, ऐसा नहीं है, उसमें भी अल्कोहल के भी होते हैं, स्मैक के केस कम लेकिन अल्कोहल के ज्यादा केस जो होते हैं वो धीरे धीरे जब प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं तो फिर बाद में उनको जब समझ में आता है कि ये बहुत विशेष साइकिल है, बिना अल्कोहल के हम जी नहीं पाते हैं, तो फिर वो अपने आप को इससे बाहर लाने के लिए फैमिली के दबाव में या अपने भी खुद इच्छुक होकर के वो फिर हमारे साथ इलाज में आते हैं। तो ये समस्या जो है इसका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा, फिजिकल जो विड्रॉल है उसको भी समझना पड़ेगा और हम लोग को ये देखना होगा कि कैसे पूरे समुदाय में हर एक लेवल पे लोग इसको एक्सेप्ट करें कि लेने वाला जो है वो एक विलन की तरह हम ना देखें उसको, ये मान के चलें कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी कारण से किसी परिस्थिति के कारण इस दलदल में वो फंस गए, अब उसको निकालने के लिए हम लोगों का एक सपोर्टिंग हैंड चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि एक एम्पैथी की बात होनी चाहिए, सिंपैथी की बात तो थोड़ा डिफरेंट उनको फील होने लगता है, तो अगर आप उनके साथ मिलकर के बैठ करके गार्जियन और उसके परिवार के लोग या उसके रिलेटिव जितने भी उनके वेल विशर हैं वो अगर अच्छे ढंग से उससे बात करेंगे और उसको कन्विंस करेंगे कि ये नशे की लत के कारण तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो फुल्ली तुम अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहे हो, तो धीरे धीरे उसको ये समझ में आ सकता है और वो फिर नशे के इलाज के लिए अग्रसर हो सकता है। तो हम लोग को यही चाहिए कि जब भी हम लोग इस तरह के कोई व्यक्ति को देखें तो उसको घृणा की भावना से ना देखें, उसको पॉजिटिव वे में लें कि अगर वो कोई गलती करके, क्योंकि ये इतना पोटेंट है कि
कि अगर तीन बार कोई इस तरह की सब्सटेंस को ले लेता है तो उसे बाहर आना उसके बस की बात नहीं होती, उसको लगता है कि मैं कल से नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा कल कभी आता नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है, साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता होती है, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, पीयर एजुकेटर की जरूरत होती है। ऐसे लोग जो एक्स एडिक्ट हैं, जो पहले नशे के साथ थे और अब नशे के बाहर हो गए, उस तरह के लोगों की जरूरत है। और हो सकता है कि वो इलाज के बाद फिर से उसी तरह के सर्किल में चला जाए, उसी तरह के दोस्तों के साथ फिर से वो रिलैप्स कर जाए। तो रिलैप्स जो है इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नी, एडिक्शन रीचेस टू द हाईएस्ट लेवल। जैसे मान लीजिए किसी ने अल्कोहल छोड़ दिया या स्मैक छोड़ दिया या मैरिजुआना या गांजा छोड़ दिया, और वो बोला कि अब तो मैं बस थोड़ा सा ये ले रहा हूँ, एक एडिक्टिव सब्सटेंस कोई भी छोटा सा टोबैको ही ले रहा हूँ, लेकिन क्या है कि एडिक्शन रीचेस टू द हाईएस्ट लेवल। तो धीरे धीरे जो है इस बात को समझाने की जरूरत है कि पहली बार अंतिम बार छोड़ना मतलब कभी इसे लेना नहीं, से नो टू ड्रग्स फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। दूसरा जो रूल है वो ये है कि आज नहीं कल वाली जो स्थिति होती है कि आज भर ले लेते हैं कल से नहीं लेंगे, उल्टी गिनती होनी है, आज नहीं लेते हैं कल की कल सोचेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि हम चैलेंज करें कि मैं तो एकदम ठीक हो जाऊंगा, मेरे को क्या है, मैं तो नहीं लूंगा। तो इस तरह की जब आदमी को ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो भी काफी डेंजरस होता है, और आदमी वैसे लोग जो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से है वो पता चलता है बाद में कि वो फिर से उसी दलदल में चले गए। तो कोशिश हमेशा हम सब लोगों को, जो सामान्य हम लोग नागरिक हैं इस भारत के, तो हम सब लोगों को यह समझना पड़ेगा कि नशा एक ऐसी बीमारी है जो जिस बीमारी का पहला स्टेप, बीमारी के अंदर जाने का पहला स्टेप वो रोगी जो है उसने लिया है, बात सही है, बट वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हम सब लोगों को मिल करके सहयोग के साथ इस लत से बाहर करना है। तो हमें ये समझना होगा कि हर तरह के नशे का मेन है साइकोलॉजिकल और फिजिकल। तो फिजिकल का जो कंपोनेंट है वो हमारे साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन के साथ, जिसमें विड्रॉल का जो सिम्टम है उसको हम लोग मैनेज करते हैं, तो उसकी आवश्यकता हम लोग को पहली पड़ती है जो हमारे साइकियाट्रिस्ट होते हैं, और साइकोलॉजिस्ट जो है उनकी बातों को सुनते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या परिस्थितियां उनके साथ गुजरी, उनके जीवन में किस तरह से एक ऐसा चेंज आया जिससे उसने अपने पूरे अपने को छोड़ करके और नशे के साथ उसने दोस्ती कर ली। तो उस तरह की परिस्थितियों को समझ करके और उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसके लिए काम करना एक साइकोलॉजिस्ट का कर्तव्य होता है, और एक इम्पैथी के साथ उनके साथ एक रिश्ता कायम करते हुए वो, ताकि वो बिना हिचक के सारी प्रॉब्लम्स अपनी बताएं। अगर वो रिलैप्स भी कर गए तो क्या ट्रिगर पॉइंट था, कैसे वो रिलैप्स कर गए, कैसे वो फिर से उस चंगुल में पड़ गए, तो ये बातें भी जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिस बातों को हम लोगों को उनके साथ बातचीत करके शेयर करके और उनको नए नए चीजों के साथ जो उनकी अभिरुचि देखते हुए उसके साथ स्किल के साथ किसी ऐसे उनमें कोई अच्छाई है, कुछ अच्छी चीजें हैं, तो उस पर्सनालिटी को असेसमेंट करते हुए उनके लिए रिहैबिलिटेशन प्लान और उनके पेरेंट्स से मिलकर के उस प्लान के लिए जो हम लोग का सपोर्ट है वो हम लोग को जनरेट करना चाहिए, और उस तरह के लोगों को हम लोग को यह देखना चाहिए कि उसका जो है वो थोड़ा लिमिटेशंस जरूर है उसके साथ, बिकॉज उसके साथ जिंदगी ने जो नशे का जो उसके साथ जो लगाव हो गया था उसके साथ उसने बहुत कुछ मिस कर दिया है। एक पूरा एज तो बढ़ गया है लेकिन उसकी जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं बाधित हो गई है। तो इसको सोचते हुए हमारा एक्सपेक्टेशन भी उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए एक व्यक्ति का जो नशे के साथ अंदर है, लेकिन उसके फैमिली को सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि उसकी वाइफ है वो जनरली ये ब्लेम करती है कि हमें पता नहीं था मेरी शादी हो गई इससे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बिहार यूपी इस तरह के कल्चर जो है इसमें पेरेंट्स के द्वारा ही शादी बहुत सारी शादियां तय होती हैं, और उसमें कभी कभी अपने बच्चे को के इन आदतों को लोग छुपा देते हैं, और उसके बाद फिर जो है बाद में फैमिली को पता चल जाता है, तो उसके बाद वो ब्लेम का गेम होता है और उस ब्लेम गेम में वो बेचारा और फंस जाता है, और फैमिली को भी एक व्यक्ति नशे का शिकार उसको संभालना है और एक उसकी जो वाइफ आ गई उसको भी अलग से संभालना होगा, तो दोनों के साथ फिर कंफ्लिक्ट की स्थिति आ जाता है।
तो एक तो ये है कि जो नशे के शिकार हो गए उनके लिए वो ऐसे उसके सहयोगी हो, ऐसे उनकी अधार्मी हो जो इन समस्याओं को अच्छे ढंग से समझे, या अगर नहीं समझ रही है तो पेरेंट्स को भी चाहिए काउंसलिंग के माध्यम से उनको ये समझाने की जरूरत है कि जैसे एक डायबिटीज रोग है, जैसे ब्लड प्रेशर एक रोग है जिसमें दवाओं का हम लोग लेते हैं और अपने को परहेज में रखते हैं और अपने को ठीक रखते हैं, उसी तरह एडिक्शन की भी जो डिजीज है उसमें भी ऐसा नहीं है कि लोग बाहर नहीं हो पाएंगे, बहुत ज्यादा निगेटिव फीलिंग है, रिलैप्स रेट ज्यादा होता है तो लोगों को लगता है कि इससे हम बाहर नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अगर हम सब लोग मिल करके जो लोग नशे के साथ हैं उनको अगर हम लोग कोशिश करें कि वो इससे बाहर आए और उसको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम लोग दें तो जरूर वो अपने आप को इस बात का एहसास उसको होगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है और हम अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने सही जो उद्देश्य है जीवन का उससे भटक गए हैं। तो ऐसे लोग बहुत हमारे पास हैं, कम से कम 10,000 लोग तो हमारे फोन के लिस्ट में हैं जो बराबर हमें फोन करके अपनी हालचाल बताते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, कभी कोई समस्या आती है तो उसके बारे में गाइडेंस लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नशा से पीड़ित लोग नशा से बाहर नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोग बाहर हुए हैं और अच्छा करते रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि एक साइकेट्री प्रॉब्लम भी कभी कभी नशे को जन्म देता है। बहुत सारे बाइपोलर डिजॉर्डर और बहुत सारे साइकेट्री प्रॉब्लम जो ह्यूमन बींग में है जिसकी इथोलॉजी जो है वो जनरेशन से भी रद्द कर सकती है, जैसे सिज़ोफ्रेनिया, इस तरह के बहुत सारे ऐसे साइकेट्री डिजॉर्डर हैं जिसके कारण भी आदमी नशा को अपनी दवा के रूप में लेता है। जैसे आप देखिए कि आयुर्वेदिक का भांग में प्रयोग पहले होना और अब भी कोई बता देगा कि तुम इसको ले लो तो तुमको ये प्रॉब्लम जो है तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, तो उस तरह से भी कुछ लोग जो है वो इस तरह के सब्सटेंस के साथ जुड़ जाते हैं। तो उस तरह के लोगों को भी हम लोग को ध्यान देना होगा कि एक तरीके से उनको ये समझाना होगा कि ये जो आपका साइकियाट्री प्रॉब्लम है वो एक साइकियाट्रिस्ट के द्वारा सॉल्व हो सकता है, उसके लिए अपने मन से आप जो चिकित्सा ले रहे हैं वो खतरनाक है। दूसरी बात है कि बहुत सारे महिलाएं होती हैं जो ऑपरेशन के बाद या किसी तरह के पेन के कारण वो कुछ ऐसी दवाओं का यूज करने लगती हैं जो दवा कब उनके साथ उनकी आदत में शामिल हो जाती है ये उनको पता भी नहीं चलता है। तो उसमें बहुत सारे प्रोक्सीवान और बहुत सारी दवाएं हैं जिसका नाम मैं पब्लिकली बहुत लेना नहीं चाहूंगा, बट मैंने पाया है कि बहुत सारी महिलाएं जो है इस तरह के दवाओं की शिकार हो जाती हैं और बाद में जब पता चलता है कि उसके बिना मैं रह नहीं पाती हूँ तो जाकर के उनके परिवार के कोई आदमी जो है वो उनको बताते हैं कि आप अब इसके एडिक्ट हो गए और आपको ट्रीटमेंट जरूरी है। मैंने पाया कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, जैसे अब कोई अकाउंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अल्कोहल के साथ ऐसी दवाएं जो अल्प्राजोलम या कुछ, जैसे अल्कोहल इज अ डिप्रेसेंट और अल्प्राजोलम जो है वो डिप्रेशन को एंटी डिप्रेसेंट है, अब दोनों के कॉम्बिनेशन को जब कोई ले लेता है तो उसका व्यवहार बड़ा विचित्र हो जाता है और वो लगने लगता है कि वो एकदम मानसिक रोगी हो गया है। तो इस तरह के भी बहुत सारे केसेस आते हैं जो मल्टीपल एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। एक एडिक्शन का जो सब्सटेंस एडिक्टिव सब्सटेंस का जब आदि रहता है तो उसका व्यवहार अलग होता है, जब वो दो तीन चीज के साथ अब अपने आप को लगा लेता है तो उसका व्यवहार एकदम अलग हो जाता है। तो ये सब सारी चीजों को समझते हुए हर केस बाय केस, एवरी केस इज डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉज फॉर एडिक्शन, तो इन सब चीजों को डीप में एनालिसिस करके थोड़ा टाइम टेकिंग तो जरूर है बट एडिक्शन के साथ अगर हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे तो नशे से पीड़ित व्यक्तियों के लिए हम काफी कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अमिताभ जी ने ये जो टॉपिक चुना है और मुझको लगता है कि अप्रोच किया था इस चीज के लिए, तो मुझको लगता है कि अब कुछ ओपन सेशन में चाहूंगा कि जो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम चूंकि पीपीटी अभी कोशिश कर रहे थे तो मेरे कंप्यूटर में पता नहीं क्यों वो रिफ्लेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब स्क्रीन वो जा नहीं पा रहा है। तो एक सिस्टमेटिक वे में मैं जिस तरह से स्टेज बाय स्टेज बताने की कोशिश में था तो अभी मैं कर पाने में समर्थ फील कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन सेशन हो जिसके कारण मैं अपने
वक्तव्य को एक लाइन लेंथ दे सकूं। तो थैंक यू अमिताभ जी। कैन आई आस्क एवरीबॉडी टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस सो दैट आई कैन गिव, मेरे को जहां तक मेरा ज्ञान है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसके साथ आपको उसका जवाब देना चाहूंगा। थैंक यू अमिताभ जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा स्पीच दिया आपने और बहुत सारी जानकारियां दी। और आजकल जो फैशन हो चुका है शादी के बाद और प्रत्येक हम लोगों के ट्रेनिंग क्लोजर के बाद ऑडिट के बाद एक फंक्शन और उसमें फिर पीने पाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और यहाँ तक लोग बोल देते हैं कि भाई साहब क्या आप जब पीते नहीं हो तो इतने बड़े बड़े पार्टी में आते क्यों हो। अब देखिए कि ऑर्गेनाइज पार्टी को हमने कराया और हम ही से ऐसे बोलते हैं कि आप और पार्टी आपने ऐसा कराया क्यों। हमने ऐसा भी देखा है, एक परिवार में 3 भाई थे, 2 भाई गुजर गए और हमको हमसे कह रहे थे कि आप पार्टी में बड़े बड़े कैसे जाते हैं जब आप पीते नहीं है। उन लोग को आश्चर्य लगता है, ये अपना मतलब एक फैशन बन गया है। जैसे कि माँ पिताजी को मम्मी पापा अंकल आंटी हेलो टाटा भाई ये सब उस तरह का फैशन बन गया है। तो ये जो लोग पीते हैं और उनके 2 भाई गुजर भी गए, अंतिम भाई बचा हुआ है अभी वो भी पीता होगा, तो प्रश्न ये है कि ये जो शराब का ये जो नशा का जो आदत चला है। और हम सीता ट्रेवल्स में काम करते थे तो हर क्रिश्चियन फर्स्ट डे को ये 1 जनवरी को और क्रिसमस डे को वो लोग एकदम बोतल खोल देते थे कलकत्ते में और उसके बाद फिर पी करके एक दूसरे पे गिर गए। ये जो प्रथा चला है ये क्या मतलब कि आपकी दिशा उसको एक दूसरा दिशा दे सकता है या नहीं। ये तो जैसे वो लोग अब मतलब अपने को बड़े आदमी कहते हैं, अपने बेटी के साथ अपने बेटा के साथ पीते हैं और उसमें हम लोग बैठ के अनारस का जूस पी लेते हैं या कुछ भी, या मतलब हम लोग उसमें तिरस्कृत नजर आते हैं। तो ये आपकी दिशा उस संबंध में ये जो कस्टम बन गया है हर जगह का, ये ढोंग और एक प्रदर्शन बन गया है, ये कैसे मतलब खाने के बाद एक ड्रिंक का पार्टी अलग होगा और फिर सबके मुंह से एक बदबू भी आती है, तो ये इस संबंध में दिशा क्या कर रही है। बहुत अच्छा प्रश्न है सर आपका। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ अपने मैंने जो फील किया था। तो मैं UNDP के कार्यों से डिजास्टर के कार्यों को देख रहा था, बिहार का मैं स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर था, 14 जिला में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UNDP का कार्यक्रम चल रहा था डिजास्टर का। तो यूपी का प्रोग्रेस अच्छा नहीं था तो मुझको यहाँ भेजा गया यूपी कि आप वहाँ अब 1.5 साल 2 साल बचा है आप थोड़ा सा वहाँ को देख लें। तो मैं यहाँ आया तो मेरी एक क्लासमेट थी शेफाली मिश्रा दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में, एंड उसके पिताजी झारखंड के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे AK मिश्रा, अब वो नहीं है दुनिया में। तो वो भी UN में, क्योंकि वो LSC चली गई बाद में, उसने LSC से कोर्स किया पॉलिसी पे। तो वो जब आई, उसका यूपी घर है, लखनऊ ही घर है, तो उसने कहा कि दीपक आप यहीं पर हो तो आप मेरे घर आ जाओ 31st को। तो मैं 31st को गया तो वो AK मिश्रा वो भी आए हुए थे और उनके एक साधु थे, वो दोनों अल्कोहल ले रहे थे। और एक व्यक्ति मतलब शेफाली मिश्रा जो जो मेरी क्लासमेट थी उसकी बहन, मौसेरी बहन के हस्बैंड एक बीबी सेठी हुआ करते थे, डॉक्टर बीबी सेठी जो साइकियाट्रिस्ट है और KGMU यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है उसके फाउंडर, साइकियाट्री डिपार्टमेंट के फाउंडर भी थे और प्रिंसिपल भी रहे थे KGMU के। उनका लड़का था, एकमात्र लड़का विजय सेठी, उनसे उसकी लव मैरिज हुई थी। दोनों जो है वो कुछ मटन उटन बना के लाए ला रहे थे, अंदर घुसे तो ये लोग बैठ के पी रहे थे। इन्होंने कहा कि अरे रे छुपा दो अल्कोहल को, ये आएगा तो ये पूरी बॉटल पी जाएगा और बहुत काटेगा। तो मुझे ये लगा कि भाई ये लोग तो पी रहे हैं अपने
और उसके बारे में जो एक नशा का रोगी है उसके बारे में ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने बड़ा रिस्पेक्टफुली उनको कहा कि अंकल आप लोग भी तो अल्कोहल ही ले रहे हो। बोले अरे दीपक मैं तो शाम के शाम वाला हूं, ये तो सुबह से शाम वाला है। तो मुझको थोड़ा, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा कि दीपक आप तो ये काम ही करते हो, इसको ठीक कर दो, फिर जो बोलो आप वो। तो मैंने कुछ बोला नहीं, बोलो मैंने उनको कुछ बोला नहीं। बुजुर्ग आदमी को मैं क्यों बोलू, वो गार्जियन तुल्य थे तो मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन उसी दिन मैं सोच लिया कि मैं लखनऊ में भी एक सेंटर शुरू करूंगा और उसमें मैं इलाज करूंगा। और उस समय मैंने लखनऊ में अपना डीएडिक्शन सेंटर 2010 में स्टार्ट किया। और दो मतलब जो हमारी उस समय बेलोरो गाड़ी थी उससे हमने कुछ पेशेंट लखनऊ में ला करके उसका इलाज किया। वो ठीक जब हो गया, आज मुझे पता है 2010 से अब वो गोल्फ क्लब भी जाता है, दूसरे लोग पीते हैं अल्कोहल, लेकिन वो नींबू पानी पीता है वो आदमी विजय सेठी। तो वो बराबर को लगता था कि ये ठीक नहीं हुआ है। एक बार उनकी मतलब शेफाली की एक और कजन छोटी थी, उसकी शादी में जहां अल्कोहल सर्व किया जाता उसके पीछे वो जाकर के चुपचाप खड़े थे ये देखने के लिए कि विजय जो है वो फिर से पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। तो मैं जब साइड में देखा वो है तो मैं उनके पास गया। वो बोले दीपक आपने तो कर दिया कमाल, ये तो अब लेता नहीं है, मुझे तो डर लगता था कि चुप के ले रहा होगा, तो अब मुझे भी आप ठीक कर दो। लेकिन मुझको जो ट्रीटमेंट चाहिए वो हिल स्टेशन पे आपको करना होगा। तो मैंने कहा कि अंकल मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट मैं अलग एक सेंट्रल हिल स्टेशन में शुरू करूं। लेकिन मैंने देखा है कि एक एक अलग क्लास डेवलप हो जाता है, मतलब उनको ये समझ में आया कि अब मैं एडिक्ट हो गया। लेकिन वो शाम के शाम लेने वाले, दिन में लेने वाले नहीं। लेकिन उनका डेथ भी हुआ, वो भी कैंसर से हुआ, लेकिन उनको एहसास हुआ। तो होता क्या है अमिताभ जी कि जो ये प्रॉब्लम है, ये जो रेगुलर जो पर डे ले रहे हैं, इवनिंग में ही ले रहे हैं, वो हमेशा कहते हैं कि मेरे को एडिक्शन तो नहीं। लेकिन होता क्या है कि वो अपना लिमिट खो देते हैं। जैसे अगर उनको कभी ये नहीं होता है कि 30 ml का दो पेग ले। आप आदमी में देखें बहुत लोग जो है वो इन तरह के चीजों में, जैसा अमिताभ जी बता रहे हैं, इसको एक डिफरेंट स्टाइल की तरह देखते हैं। बट सच बात यह है कि ये खुशी देने वाला तो है ही नहीं। अल्कोहल हमेशा एक डिप्रेसेंट का ही काम करेगा और हर समय आपको लगता है कि आप एंजॉय कर रहे हैं, बट एंजॉय कोई और करता है जो अल्कोहल नहीं लेता है उस पार्टी में। जो आपको देखता है अल्कोहल लेने वाले को रो रहा है, आप मेरे बहुत क्लोज हैं, आपको तो मैं बहुत मानता हूं, और वो रोने लगता है। तो इस तरह से एक तरह का मौखोल बन के रह जाते हैं वैसे लोग जो अल्कोहल के साथ पार्टी का जो है आनंद लेना चाहते हैं, तो आनंद वही लेता है जो उस पार्टी में अल्कोहल नहीं लेता है। तो मैं यही कहूंगा कि जब उनका वीडियोग्राफी आप कर ले और बाद में उनको बताए कि आपने जो हरकत की थी वो क्या आपको अच्छी लग रही है, तब वो शायद इस चीज को समझें कि जिसको आप आनंद कह रहे हैं वो सच में आपको कोई पर्सनालिटी में आपका प्लस नहीं कर रहा है, आपके पर्सनालिटी को डिलिमिट कर रहा है, आपके बिहेवियर को कि इनहिबिशन खत्म कर देता है, आपके मन में जो एक शिष्टाचार होता है उससे वो आपको बाहर कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अल्कोहल के साथ। और अमिताभ जी मैं जानता हूं कि बहुत शादियां अब बिहार में, बिहार की शादियां दूसरी जगह हो रही, बहुत लोग बिहार के बगल में झारखंड देवघर में अपना सेटलमेंट कर लिए हैं, बहुत लोग यहां से छोड़ के दिल्ली रह रहे हैं क्योंकि अब जानते हैं कि बिहार में अल्कोहल उनको नहीं मिलेगा। लेकिन उसके साथ निगेटिव पॉइंट यह है कि अल्कोहल का बैन होने के बाद आजकल जो यंग बच्चे हैं वो फिर अब दूसरे चीजों में या जो एडिक्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो एक डिजीज है, मेंटल डिसऑर्डर्स होता है जो मानसिक समस्या के रूप में आता है, तो वो दूसरे चीज में डाइवर्ट कर जाते हैं। तो आपका ये कहना एकदम सही है, वैसा परिवार जो मुक्त जीवन जीना चाहता है, वैसा परिवार जो अपने बच्चे को इसलिए कहता है कि अल्कोहल ले सकते हो अब बड़े हो गए हो, क्योंकि वो अपने पे क्वेश्चन नहीं करना चाहता है, वो इसलिए लेना चाहता है कि उसके दोस्त जो है वो उसको गलत ना बोले, इसलिए उसको चाहता है कि वो भी एक पेग ले करके और मेरी श्रेणी में आ जाए। तो ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है,
एक ऐसी समस्या है जिस समस्या को वो छुपा के रखता है, लेकिन जब बाद में जब वो समझ में आ जाता है उसको, ये मेरे को एडिक्ट बना दिया है। सुबह जैसे सुबह में मैंने बताया कि बिना पेपर के टॉयलेट नहीं जाना, एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, उसी तरह से इवनिंग 4-5 बजा नहीं वो घड़ी में देख रहा है कि कब ऑफिस से घर जाएंगे। और अगर मान लीजिए घर में उनकी वाइफ ने कुछ कड़ापन रुख अख्तियार लिया तो किसी बहाने अपने किसी कलीग के साथ कहीं पार्टी में किसी क्लब में जा करके पी करके आना, और फिर जो है समस्या उत्पन्न घर में तो होती है। ऐसा नहीं है कि पीने वाले के साथ जो है वो समस्या कहीं अलग हो जाती है, बिकॉज उसका बिहेवियर पैटर्न तो चेंज होता ही है। तो ये तो समझने की जरूरत है, और सब लोग को समझ में आता है, सिर्फ पर्दा लेके वो चलते हैं। और एक समय आता है जब उसका समस्या बहुत बढ़ जाता है तब हमारे पास आता है, तो अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। मैं आपको एक और कहानी बताऊं। एक बार जब बिहार में नशाबंदी हो रही थी 2014 में, तो एक अल्कोहल जो जर्मन अल्कोहल है उसके एक वाइस प्रेसिडेंट बिहार आए, वो हमारे पास दिशा पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आपका एनजीओ जो है वो बच्चों को बताए कि कैसे पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए। मैं बोला कि ये क्या बात। सुहास रिगल नाम सुने होंगे, एक अल्कोहल का है। तो वो बोले कि ऐसा है कि हम लोग बहुत कंसर्स हैं, हम लोग चाहते हैं इतना एमएल पी करके लोग शराब पी के गाड़ी चलाए, इतना अलाउ है। उसने बताया कि देखिए 3XM होता है, तो 3XM में X का मतलब 30 में 10 10 10, तो ये 30 ml का मामला होना चाहिए, तो 30 ml पिए लोग। हम बोले कि देखिए इस तरह का एक्सपेरिमेंट हमारे भारत में हम लोग उसको प्रमोट नहीं कर सकते हैं। आप विदेश में इस तरह की शिक्षा बच्चों को आप दे रहे हैं, तो होता क्या है ये वेस्टर्न कल्चर का जो मामला है वो हमारे यहाँ घुस रहा है। और हम लोग जो है बड़ों का आदर करते थे। पहले क्या होता था, पास पड़ोस के कोई आदमी किसी बच्चे को देखते थे कि वो सिगरेट मुंह में लिया है तो तुरंत वहीं आकर के उसको डांट देने का हिम्मत रखते थे। आज के डेट में अगर अपने उसके पिता को ही बोलेंगे तो वो उसी को दोषी कहेगा, वो कहेगा ये हमसे चलता है इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो अब जो हम लोग के कल्चर में जो परिवर्तन आ रहा है, लोगों को एक दूसरे के प्रति जो है वो उस तरह की फीलिंग अब नहीं रही। जैसे बगल के कोई पड़ोसी होते थे तो हम उसको चाचा कहते थे, अपने सगे चाचा की तरह उनका रिस्पेक्ट करते थे। अब वो धीरे धीरे जो फैमिली का जो बाउंडिंग है, जो गांव का जो हमारा बहुत स्ट्रांग कल्चर था, वो हम लोग अब शहर में उसको बदल दे रहे हैं। और वेस्टर्न कल्चर फिल्म के माध्यम से और भी बहुत तरह का इंटरनेट के माध्यम से बच्चे जो है स्मार्टनेस का डिफिनेशन ही अलग देख रहे हैं। स्मार्टनेस का क्या, रोनाल्ड रीगन ने कभी अल्कोहल नहीं लिया। बहुत सारे विदेश के हमारे एग्जाम्पल हैं जो प्रेसिडेंट हुए अमेरिका के भी, लेकिन उन लोगों ने आर्मी में रहा उसके बाद भी उसने अल्कोहल नहीं लिया। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिस एग्जाम्पल से लोग प्रेरित नहीं होते हैं, वैसे एग्जाम्पल से प्रेरित हो जाते हैं जिस एग्जाम्पल का कोई हम लोग रिजल्ट नहीं देखते हैं। तो सक्सेसफुल पर्सन जो हमको एक रोल मॉडल के रूप में युवाओं को दे सकता था, हम अपने पिता को रोल मॉडल मानते हैं। अगर देखा गया है हमारे पास बच्चे आते हैं कि जब केस मैंने देखा है तो पाया है कि जिसके फादर ले रहे हैं अल्कोहल उसका बच्चा 90% चांस है कि उसका बच्चा भी अल्कोहल के शिकार हो सकता है। तो ये कोई कोई ऐसा भी होता है कि फादर की स्थिति देख के, वो जो घर में कोहराम देख करके वो नफरत करता है और अल्कोहल को छूता भी नहीं, लेकिन 90% ऐसे हो जाते हैं बच्चे जब हम उनके अंदर जाते हैं केस हिस्ट्री बनाते हैं तो पता चलता है कि फादर ने अल्कोहल की शुरुआत की थी, उनकी भी स्थिति खराब, उनका भी लिवर सिरोसिस हुआ, उनका भी डेथ इसी तरह हुआ, उनको भी समस्याएं ऐसी आई, माँ से उनका व्यवहार बहुत खराब रहा और उसके बाद वो बच्चा भी जो है अपनी वाइफ के साथ उसी तरह के खराब व्यवहार को प्रोत्साहित होता है। तो जो महिला के साथ भी जो घरेलू हिंसा का मामला है उसमें भी अल्कोहल बहुत ज्यादा उसके लिए सहायक रहा है। मुझे याद है कि 1994 में जब पहली बार हेल्पलाइन बना महिलाओं के लिए, यूनिसेफ और गवर्नमेंट समय वेलफेयर डिपार्टमेंट हुआ करता था, तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उस समय ANP सिन्हा हुआ करते थे, यहाँ उसके पहले सिंचाई में थे, उसके पहले एकेडमी में भी पढ़ाते थे जैलजा जी और दोनों, तो वो महिला के लिए एक इंस्टीट्यूशन हुआ। उसमें चूंकि मैं नशा के लिए काम करता था
तो आई वॉज द ओनली कोर कमिटी मेंबर, उसमें सुधा वर्गीस थी पंचरी, उसमें रेणुका शर्मा थी जो एडवोकेट की थी, उसके बाद शांति ओझा थी, और आई वॉज ओनली वन मेल, और इसलिए था क्योंकि महिलाओं का जो हिंसा का प्रॉब्लम है वो एडिक्शन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं अमिताभ जी आपको कहूंगा कि इस तरह की जो भ्रांतियां हैं वो हैं, लेकिन हम सब लोग मिल करके इस अवेयरनेस से इसको जो जैसे रोटरी क्लब, लायंस क्लब, इसकी जो मीटिंग होती है उसमें भी मैं जानता हूं कि लोगों के एटीट्यूड को परिवर्तन करने के लिए अमिताभ जी कभी कभी हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं, और बाद में लोगों ने खुल के बताया है कि हम तो लेते हैं, लेकिन आपने जो बताया मुझे सोचना पड़ रहा है, ये बातें एकदम सही है, मेरे को तो घर में कलह होता ही है और मैं लेकर के अपना पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, और मुझे इंडस्ट्री एसोसिएशन में मैं पिछली बार अभी कुछ महीने पहले गया, वहां एक व्यक्ति ने मुझको शेयर किया कि मैं जो हूँ लिवर सिरोसिस तक पहुंच गया था, अब मैं नहीं लेता हूँ, डर के नहीं लेता हूँ, लेकिन आप जो बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं, ऐसी ऐसी स्थिति मेरे साथ हुई है जीवन में। तो अमिताभ जी मुझको लगता है कि जहां मेरे को एक्सपीरियंस रहा मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया और ग्रुप के साथ शेयर किया। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन कभी कभी घर में माँ बाप भाई बहन बच्चे सब लेते हैं, और वो छोटे छोटे बच्चों को पिला के हमने पंजाबी घरों में देखा है कि थोड़ा सा पी लेना, थोड़ा सा पी, अब थोड़ा शुरू करो अभ्यास, इसका भी इसको पिलाओ। तो वैसे लोगों की मानसिकता दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए मैं बताऊं कि एक जो आपने बताया बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, हम लोग जब काम कर रहे थे ना तो ये मीठापुर वाला जो एरिया है वहां एक पुल है, पुल के पास भंगी टोला है, हम लोग जब वहां पर हम लोगों ने देखा तो जो इस तरह के कार्यों में लगे हुए थे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और इस सब में महिलाएं जो काम कर रही हैं, पुरुष काम कर रहे हैं, वो लोग सच में बच्चों को भी ग्लाइट वाटर और इस तरह के चीजों के साथ, जिसमें थोड़ा सा इस तरह की बातें भी पहले पाई जाती थी, तो उस तरह के चीजों के अलावा अल्कोहल का भी वो सेवन करा देती कि बच्चा उसको तंग ना करे और मैं जाके काम कर लूं। तो देखिए ऐसा है कि हम लोग अवेयरनेस ही तो कर सकते हैं, किसी के घर में उसके व्यक्तिगत जीवन में हम लोग बहुत घुस नहीं सकते हैं। जो जो प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने कहा कि वैसे फैमिली दो तरह की फैमिली हो गई, एक गरीब तबके की फैमिली हो गई और एक इलीट क्लास की फैमिली हो गई। मिडिल क्लास की फैमिली में ये समस्याएं नहीं है। मैंने देखा है कि मिडिल क्लास में अभी भी एक डिग्निटी है, एक रेस्पेक्ट है, एक आदर भाव परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो इलीट क्लास जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके परिवार में आपको अगर इस चीजों को फैलाना है कि आप इस तरह की चीजों को रोकिए, तो वो कुछ जो केस परेशान केस हैं, जब उन केसों की कहानी वो समझेंगे और उस तरह के चीजों में, क्योंकि वो तो अभी तो शुरुआती तौर पर है, और जब उन्हीं का केस बहुत बिगड़ जाता है, जब उसकी माँ बच्चे के साथ मिलकर के पी रही है, बहुत एडवांस कल्चर में जी रही है और अपने को स्मार्ट बन के जी रही है, और जब उसी का बच्चा बिगड़ जाता है तब वो जो हमारे पास आती हैं, तो हम लोग को ये पता चलता है तो हम लोग बताते हैं ये शुरुआत तो आप ही ने करवाई थी, और तो नहीं नहीं हमको क्या पता था कि ऐसी स्थिति पहुंच जाएगी इसकी। तो होता क्या है कि हर आदमी जिस स्टेज में उस चीज को एडॉप्ट करता है उस हिसाब से उसके प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। इन्होंने जिस स्टेज में स्टॉप लिया और उसके बाद जो उनका अपना फ्रेंड सर्किल था उसके साथ लेने की बात हुई, बच्चे उस तरह से स्टार्टिंग में जो है इस चक्कर में पड़ गए, तो अब उसका कैरियर बना नहीं, उससे पहले ही उस गिरफ्त में पड़ गया, तब वो हमारे पास आते हैं, तो उनको हम लोग काउंसलिंग के माध्यम से बताते हैं। बहुत लोग रियलाइज भी करते हैं, बहुत लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन भी लाया है, लेकिन किसी के परिवार के अंदर हम नहीं घुस सकते हैं। तो हम लोग के पास जब वो आते हैं एज ए प्रोफेशनल, हम लोग उसको बताते भी हैं कि आपकी ये जो एक्टिविटी थी वो गलत थी, तो बाद में वो भी अपने बच्चों को भी आगे के जनरेशन को अपने मतलब बेटी को अपने दूसरे परिवार में जो उसके अलग हैं जिसके यहाँ भी बच्चे पल रहे हैं, तो बाद में बताते हैं वो लोग कि नहीं नहीं हमने ये काम किया, इसके कारण ये नतीजा भोगना पड़ रहा है, तो तुम लोग तो अब इस सब चीजों से अपने बच्चों को दूर रखो। तो यही अमिताभ जी हम लोग कर सकते हैं और यही हम लोग कर भी रहे हैं। अवेयरनेस का काम तो बहुत हद तक परिवार के अंदर नहीं हो सकता है, बहुत मीडिया और इस सब के माध्यम से हम लोग करते रहते हैं, अखबार के माध्यम से भी, टेलीविजन में भी, शो के माध्यम से,
बट वो है कि आजकल किसी परिवार में आप जाकर के इस तरह की चीजें कहना संभव नहीं हो पाता है। क्लब के भी माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि कभी कभी कार्यक्रम करें। जी अमिताभ, श्री राम फाउंडेशन से कुछ लोग आए हैं, श्री राम फाउंडेशन से, श्री राम फाउंडेशन से वो अपना परिचय दे करके वो कुछ प्रश्न पूछना चाहें या कुछ एडिशन करना चाहें तो कृपया करें। श्री राम फाउंडेशन श्री राम फाउंडेशन। नमस्कार जी, प्रणाम प्रणाम सभी लोगों को प्रणाम। हाँ जी बोला जाए जी। हम बड़ी बारीकी से सर का विजय सर का सुने हैं, बहुत अच्छा लगा। इस पर अमल करने की जरूरत है, खासतौर पे बिहार में तो देखे हैं कि शराबबंदी सरकार के स्तर से है लेकिन डोर टू डोर शराब की सप्लाई है, एकदम सप्लाई है। खूब कच्च की सप्लाई है और घर पे पहुंचा जाता है और खूब मजे से लोग पी रहे हैं। जी जी जी, तो इसमें जो ये नशा है अपने घर पे मंगा के पीने का, एक रुपये के चीज के पांच रुपये देने का, इससे गरीबों का गरीबी उन्मूलन कैसे हो उनके, इस पर कुछ माने इनोवेटिव सोच होना चाहिए सर। एकदम आपका सही कहना है। मैं आपको बताऊं, जब नशा बंद किया जा रहा था उस समय की कहानी मुझको जो पता है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उस समय ऐसा सोच बना था कि जो लोग मनरेगा और इसमें जो गरीब लोग हैं, जो देखिएगा कि जहां मजदूरी को मिल रही है, जो मिनिमम न्यूनतम मजदूरी उनको दी जाती है, तो उसका वो 50% वो बगल में जो तारीखाना या जो देसी शराब बेचने वाले थे वो पीके यहाँ चले जाते थे और वहां लेके जाते थे, और बच्चे के लिए जो है वो 25 रुपया का पैसा जो है 25 रुपया 100 में से 75 रुपया वो पीने और चखना में खर्च करके 25 रुपया लेके वाइफ को बोलते थे कि ये ले लो, और अगर कोई रिएक्ट करता था मारपीट घर में शुरू हो जाती थी। ये समस्या को सॉल्व करने के लिए सरकार ने सोचा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो लिमिट है उस लिमिट को में तो अल्कोहल हम बेचने दें और गांव वाले एरिया में अल्कोहल हम नहीं बेचे। तो मुझको याद है जब ये नशा बंद हो रहा था तो दो तरह की बातें थी। वो बात हो रही थी कि अल्कोहल का जो ये भेंडर जो है, हर जगह जो भेंडर होता है, जो एक्साइज डिपार्टमेंट वाले टेंडर करके वो बेचने वाले विक्रेता को चुनते थे, उसको खत्म करके सरकार ने कहा बिहार बिवरेज कॉर्पोरेशन ही जो है उस प्रोडक्ट को जो है अपने गोदाम में रखे और सील करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो शॉप गवर्नमेंट ही चलाएगी वहीं जाए। तो ये व्यवस्था चल रही थी, लेकिन हुआ क्या कि जितने वेंडर्स थे उन्होंने क्या किया कि महिलाओं का आंदोलन, समझिए कि 4 अप्रैल बंद होने का समय मैं बताऊं, 4 अप्रैल 2014 तक सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट में ही शराब की इनकी सरकारी दुकान खुल पाई, बाकी जगह आंदोलन कर दिया गया क्योंकि वो वेंडर बड़े स्ट्रॉन्ग थे जो वेंडर शराब को बेचते थे। तो बाद में जो फाइल गई तो दूसरी फाइल गई कि टोटल बंद कर दिया जाए, तो ये फैसला हुआ टोटल बंद, क्योंकि देखिए नशा का अमेरिका में भी बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ कि पूरी तरह से आप बंद कर दो किसी नशे को, अल्कोहल को या इनको, तो सफल नहीं हो पाया। होता क्या है ना कि जो भी किसी भी तरह का स्मैक और ये गांजा और ये सब तो बहुत दिनों से बंद है लेकिन लेने वाले जो हैं वो ले रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है कि अल्कोहल को बंद करने से जो रेवेन्यू का लॉस गवर्नमेंट को हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन पीने वाले तो पी रहे हैं, पीने वाले आदि हो गए हैं, वो तो ये केन प्रकार किसी भी तरह से लेंगे। और उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों के पास आए थे स्टेट हेल्थ जो सोसाइटी है गवर्नमेंट की, उसके जो मनीष जी थे वो आए थे हमारे यहाँ देखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक हॉस्पिटल जो सदर अस्पताल है वहीं पर एक अलग यूनिट बना देंगे एसी लगा करके, क्योंकि कोई फांसी ना लगा ले, अल्कोहल नहीं मिलेगा या नशा नहीं मिलेगा, कुछ भी कर सकता है। तो उस तरह की व्यवस्था उसने कोशिश की क्रिएट करने का, लेकिन एक NMCH छोड़ करके कहीं भी यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। PMCH में भी जो है
वो ट्रीटमेंट का बहुत छोटा सा ही अंश जा पाया। तो होता क्या है कि अल्कोहल का जो प्रॉब्लम है वो उस तरह से टैकल नहीं हो पा रहा है जिस तरह से टैकल होना था। और ये बंद, टोटल बंद करने की व्यवस्था इसीलिए हुई क्योंकि सरकार ने पहले सोचा था कि गांवों में इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन वहां भी क्या सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, लेने वाले को हम रोक सकते हैं, अवेयरनेस से, जन जागरण से हम खत्म कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गांव हुए हैं जिस गांव में अन्ना हजारे का, देखिए गांव देखिए, बहुत सारे ऐसा गांव हुआ है जहां पर लोगों ने कोशिश की है और पूरा गांव उससे बाहर हो गया है। तो पीने वाले पर ही हम काम कर सकते हैं। रोकने वाला जो एजेंसी है वहां तो आप जान रहे हैं कि बहुत तरह के लोग तरीके निकालते हैं इस तरह की चीजों को स्मगल करने के लिए, इतनी सीजर्स भी हो रही हैं, तो कहां आ रहा है तब तो सीजर हो रहा है। तो ये सब चीजों को ध्यान देना होगा, अवेयरनेस करना होगा, जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए आप जैसे फाउंडेशन है जो है इन सब लोगों को सरकार को मिले करके और इस तरह के काम में आगे बढ़ना चाहिए। अब हीरा जी आए हुए हैं। हीरा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हीरा जी आप क्या कुछ पूछना चाहेंगे दीपक जी से? हीरा धीरज नमस्कार। हीरा साहब बोलिए बोलिए। सर अभी बिहार की जो स्थिति है वो तो हम लोग से सब लोग से छुपा हुआ नहीं है। शराबबंदी जो भी हुआ वो तो सक्सेस है ही नहीं, ठीक है ना? एकदम सक्सेस नहीं है। हाँ, और सिर्फ इस पर एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की जान भी गई है शराबबंदी की वजह से, जहरीली शराब पीने की वजह से। और इसके रोकथाम के लिए तो एक अवेयरनेस एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करके रोक पाएंगे, जिसमें कि हमको लगता है कि बेहतर हो कि अगर इसके लिए सरकार के साथ मिलकर के स्कूल स्तर पर अवेयरनेस शुरू किया जाए, छोटे मतलब कि प्रारंभिक की विद्यालय से, तो वो एक बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। मैं सही सोच है धीरज जी आपका, तो स्कूल स्तर से जो कार्यक्रम होना चाहिए उससे उसमें ये देखना चाहिए कि उत्सुकतावश फिर स्कूल में बच्चे उस तरफ ना जाए, उस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे बच्चे जो उनके पेरेंट्स के साथ अगर अल्कोहल के साथ शिकार होने के कारण कोई ऐसा उनको सजा दे दिया गया या उनके साथ कुछ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, उसको तो जरूर आइडेंटिफाई करके और तब उसके पेरेंट्स को बुला करके और उनकी समस्याओं को समझ करके, क्योंकि है क्या कि फैलने की गति ज्यादा है और ठीक होने की गति कम है, तो इस बीच में गैप हो जाता है और एक एडिक्शन का शिकार आदमी 8 को अपने चंगुल में ले लेता है अपने जीवन काल में कम से कम, तो उस हिसाब से उसका मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होता है। और एक लिया हुआ आदमी जो एडिक्शन का शिकार हो गया है उसको बाहर निकालने के लिए हो सकता है 2 साल, हो सकता है 4 साल, हो सकता है 5 साल, और इतनी एनर्जी खर्च करनी होती है तब जाके एक आदमी जो है वो वहां से नशे के चंगुल से बाहर आता है। तो इस दोनों गैप के कारण जो है वो नशे की समस्याएं बढ़ती जा रही है और हम लोग चाह करके भी उस तरह की समस्याओं को सॉल्व करने में पीछे रह जा रहे हैं। और आपका कहना एकदम सही है कि स्कूल स्तर पर अवेयरनेस जब तक नहीं होगा और अल्कोहल के जो निगेटिव इफेक्ट है, लीवर की जो समस्याएं हो रही हैं और जो व्यक्ति का आचरण खराब हो रहा है, जो व्यक्ति का जो एग्रेशन बढ़ रहा है, जो समझिए कि अल्कोहल से डायरेक्ट लिंक है और वो असाफ कर सकता है एक नवयुवक, एक बच्चा उसके घर में ये समस्या किस कारण से आ रही है, अपने इनकम का तो हड़ाक हो ही रहा है, शरीर का भी हड़ाक हो रहा है, पर्सनालिटी की भी हड़ाक हो रही है, और दूसरा बच्चा जो बाहर इससे बाहर आना चाहता है वो बच्चा भी जो है वो बाहर आने में उसकी मदद उसके पेरेंट्स कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि एडिक्शन में वो भी है। तो वैसे पेरेंट्स जब हो जाते हैं जिसमें बच्चा को भी, उन्होंने अमिताभ जी ने बताया, बच्चे भी उसके आदि हो गए, फादर भी आदि हो गए, ना फादर बच्चे को बोल पा रहा है ना बच्चा फादर को ठीक कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति बहुत ही बुरी स्थिति है। और हम सब लोगों को चाहिए कि इस तरह के चीजों में, जिस तरह से अमिताभ जी ने इस टॉपिक को उठाया है, तो हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को चाहिए कि हर लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पर रेगुलर इस तरह के कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, मीटिंग,
ऑनलाइन मीटिंग इस तरह से करना चाहिए और लोगों में कुछ सोचने की जो क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और डिसीजन तो खुद लेना होगा हर एक व्यक्ति को, सिर्फ एक टॉर्च बेयर का काम इंस्टीट्यूशन या कोई एक व्यक्ति कर सकता है। और इस चीज से बाहर आने के लिए हर माहौल के लिए हम सहायता कर सकते हैं इसी तरह से। अमिताभ जी, बहुत सुंदर दीपक जी, मैंने प्रारंभ में आपसे जान करके नहीं कहा, मैं पिछले 45 वर्षों से मॉरल रियलाइजमेंट, जिसको अब इनिशिएटिव ऑफ चेंज बोला जाता है, कि अल्कोहल एनोनिमिक्स जो ग्रुप जो ग्रुप है वो डॉक्टर फ्रैंक कुकमैन के वो दोस्त थे, मॉरल रियलाइजमेंट इनिशिएटिव ऑफ चेंज जिसके बारे में प्रारंभ में अमिताभ जी ने कहा, जो इथिकल प्रोग्राम वगैरह का, तो पंचकनी में जिसका एशिया का एशिया प्लेटो एशिया का हेडक्वार्टर है, तो अलग से हम लोग नाम नहीं लेते हैं, लेकिन लोगों से आग्रह करते हैं कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए और एक कॉन्सेप्ट लाते हैं CCD, कनेक्शन करेक्शन एंड डायरेक्शन, के अंदर से जुड़िए और जब जुड़े हैं तो आपको जीवन में दिशा तब मिलेगी जब आप करेक्शन के लिए तैयार होइएगा। तो न सिर्फ एडिक्शन अल्कोहल का, बल्कि कोई भी एडिक्शन, बी इट द सेक्सुअल एडिक्शन, बी इट द करप्ट प्रैक्टिसेस, करप्शन भी एडिक्शन है। तो कुछ तिलांजलि दीजिए, प्रायश्चित कीजिए, और करेंगे प्रायश्चित तो परिवर्तन है निश्चित। तो एक फिगर, आप बहुत बड़े काम को कर रहे हैं, उसको लाइफ को भी एक एम दे यदि मिल जाता है कि एक तो वो एडिक्शन से मुक्त हो जिससे वो बंध गए हैं, और दूसरा उनके जीवन में एक उद्देश्य आए, उद्देश्य आए। तो आप जो इतने बलवती कार्य को कर रहे हैं और अमिताभ जी ने जो मिलवाया, इससे हमें बड़ी खुशी हुई, और अमिताभ जी विशेष इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, अमिताभ जी जानकारी देंगे, उमेश साहब हैं उनसे आपको बहुत जानकारी मिलेगी, कई लोग, और बिहार में भी थोड़ा पेनिट्रेशन अलग अलग तरीके से ये हुआ। आप क्या पटना में रहते हैं या लखनऊ में? नहीं, मैं तो अब लखनऊ रहता हूँ 2008 से, लेकिन पटना चूंकि मेरा घर है, मेरा परिवार पटना में ही रहता है। अच्छा, मेरे पिता, माता, मेरी वाइफ, एक्चुअली मेरे पूरे कार्यों को जो है वो मेरी वाइफ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सी इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द एक्टिविटी देयर, बट मैं कभी कभी जाता हूँ पॉलिसी मैटर्स में, मैं वहां सहयोग करता हूँ। एक सिस्टम मैंने बना दिया है जिस सिस्टम पर सर वो संस्था चल रही है। बहुत जो बहुत सुंदर कार्य जो है, क्योंकि जो फॉर्मेटिव टाइम है उसमें लोग यदि एडिक्ट हो गए तो बहुत सारे टैलेंट को हम लोग खो देते हैं। इन चीजों का इट्स ए मैन मेकिंग काइंड ऑफ प्रोग्राम, कि खाली पुराना नहीं, बल्कि मैं कभी आपसे बातचीत करूंगा अमिताभ जी के माध्यम से ही। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बिल्कुल विधिवत जो आप कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं जो उसमें चले गए हैं, जब तक उनके साथ में आप जो कर रहे हैं वो नहीं किया जाएगा, डी एडिक्शन सेंटर वगैरह यदि नहीं रहेगा, तब वो इतने दूर ट्रेवल कर गए होते हैं कि दूसरे उपाय पर कारगर नहीं हो। सर, एक और डायमेंशन है सर, जरा इफ यू अलाउ मी सर, एक मिनट टाइम लो, एक मिनट जरा सर, आई विल टेक वन मिनट सर, नागेश एक मिनट, एक बार टाटा मोटर ने चुने हुए जिनको कंपनी से निकाला नहीं जा सकता था, जी जी, मतलब कारण जो आप समझते हैं किसी विशेष कारण से,
विशेष ग्रुप के लोग जो थे तो वैसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और हमको चुना गया जो ट्रेनर थे इनके लिए काम कीजिए, और जो एजेंसी थी उनको डेवलपमेंट का भी था और उनको थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था कि कुछ इस पर डेंट कर पाएंगे, तो हमने अपने तरीके से ट्रेनिंग का जो होता है उसमें काम करते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि जो अल्कोहल ये दारू पीने का क्या क्या फायदा है, तो हमको लगा कि दो चार पांच कोई बोलेगा और क्या बोलेगा, क्योंकि मुझको इसका अनुभव नहीं है। तो मेरा बहुत बड़ा बोर्ड था, 100 से अधिक फायदा लोगों ने गिनाया, और जो लोग थे वहां जो बढ़ावा देते थे अंदर अंदर इसी कारण से व्यवसायिक वजह से या ऐसे पिला उला की जमीन में ले लिया, वैसे लोग भी उसमें शामिल थे, तो उन लोगों को हंसी आ रही थी कि चंद्रेश्वर जी फंसे। लेकिन उसमें मैं शांत रहा और मैंने उनसे पूछा कि मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है जितना ज्ञान आप लोगों को है, मैं तो सोचा था कि एक आध दो बोलेंगे आप, लेकिन मैं अब पूछना चाहता हूं कि ये फायदा कितने लोग अपने होनहार बच्चे को देना चाहेंगे। आप जब बोलते हैं कि इतना फायदा है जी, तो वो बच्चों को भी दीजिए, और उसमें से 28 लोगों ने 28 लोगों ने इसी आह्वान पर छोड़ा कि इस तरह से चुनौती नहीं दी गई थी। मैं उन 28 लोगों को कभी भूला नहीं, कि जो आए बढ़े बोले कि नहीं आपने अचंभित कर दिया है, जबकि मैं अपने आप को बताऊं कि इसके चलते मैं 3 बार कुआं में गिरा हूं, तो इन चीजों की जरूरत है, और आपको सुन करके मुझे बहुत बढ़िया लगा। सॉरी नागेश, ये बात को हमें पूरा करना था, अब आप अपनी बात को बताएं। नहीं नागेश जी बताएं, नागेश जी बोले। नहीं आपके आप लोग का डिस्कशन अच्छा था, बीच में मेरा एक्चुअली हम लैपटॉप से नहीं, हम अपने मेरा मोबाइल है दरअसल साइड बाब है, मैं उसी में काम करता हूँ, तो बीच में फोन आ गया इसीलिए डिस्कनेक्ट हो गए थे। एनीवे तो हम थोड़ा मिस किया, उसमें कोई बात नहीं है। आपका भाषण जो भी है जो भी डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। एक और डायमेंशन मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस पोस्ट रिटायर किया उसे बहुत सारे अनुभव हैं, तो वही अनुभव मैं खाली इस हाउस को बता देना चाहता हूं जी, कि कभी कभी किसी एक फैमिली में, नाम क्यों लें हम, रांची की फैमिली थी, उसके फैमिली में एक बच्चे को गजब की शराब पीने की लत लग गई जी, तो बस मैं एक लाइन में ही बोल दे रहा हूँ, उसमें पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूं। उसके ऊपर कोई भूत सवार था, आई रिपीट भूत जी। तो फिर वही ओझा ओझा को बुला के भूत को भगाया गया, तो फिर उसका पीना छूट गया। ये हुआ एक डायमेंशन, आई मीन अनदर डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन जो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जो एस्ट्रोलॉजी में ये है कि कुछ लोगों का जो, मतलब मैं केवल जानकारी दे रहा हूं, ये जो लोग एडिक्ट हैं उनके जन्म कुंडली का भी अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के जन्म कुंडली में भी ऐसा होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सबसे अच्छा उपाय जो अभी खान सर बोले, बहुत से ऐसे भी लोग हैं अभी 90s में हैं 100s में, आर्मी में भी है, नन आर्मी सिविलियन भी है, वो अपना रूटीन जॉब से पीते हैं, मस्त हैं, ठीक हैं, हेल्दी हैं, ये है। तो मेन मैसेज ये है कि यदि आप हर चीज को कंट्रोल वे में ग्रहण कर रहे हैं, एज ए मेडिसिन, एज ए जो भी, मतलब पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, कंट्रोल वे में ले रहे हैं, तो उसमें भी लोग अच्छे अच्छे, मतलब जो हम बोले आप बात मानिए चाहे जो मानिए, तो वो भी देखा गया है। तीसरी बात, कुछ मिडिल क्लास में भी जो भी
मिडिल क्लास में भी जो जिनका बेटा भी नौकरी में है, अपने पापा भी नौकरी में थे, मैंने आज से देखा है, आई एम सॉरी, बहुत दुख हो रहा कहते हुए, वो मतलब पी के नाली में गिरा रहता था नौकरी में, मतलब हमारे लेवल, मतलब हमारे रैंक का ही था, और वो समय से पहले ही दुनिया चला गया, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा था कि वो उसको, ये सब एक केस है आपके मतलब अनुभव के लिए ऐड कर रहा हूं, एक बंदा था, नाम नहीं फल ले रहा हूं, वो स्वर्गवासी हो गया, वो क्वालिफिकेशन नहीं था, उसको टोटल पॉलिटिकल पैरवी से कुर्सी पर आ गया, और जब प्रमोशन का टाइम है उसको, आई रिपीट, वो कोई रिजर्वेशन वाला नहीं था, फिर उसको प्रमोशन मिल गया, तो होते 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 वो प्रमोशन पर पहुंच गया, काम धाम उसको आता था नहीं, तो जब तो वो क्या करता था, अपने सबॉर्डिनेट को बहुत परेशान करता था, परेशान कब करता था, शाम में अपना जाता था, हम अब वेन्यू नहीं बताएंगे, तो वहां जाके अपना शराब पीता था, और वहीं से अपने सबॉर्डिनेट को फोन करता था, धमकाता था कि हम चार्जशीट कर देंगे, हम ये कर देंगे, और वो अपने गोल था, और अब अभी हाल में ही he is no more, तो मतलब ये मैं अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूं कि अजीब अजीब पिक्यूलियर केस है, और उसकी वाइफ भी उससे इतना परेशान थी, वो एस्ट्रोलॉजर से पूछी थी कितना दिन जिंदा रहेंगे, मतलब इनपुट भी से रहा था, मतलब वो भी उससे ठीक है, उसके फादर बिहार गवर्नमेंट में ही, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, तो ऐसा भी होता है, मतलब ऐसे लोग हर जगह लाइबिलिटी ही रहते हैं कहीं भी, और अब नाम लेके, उसका नाम नहीं ले रहा हूं, वो अभी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में था, उसके चेयरमैन थे स्वर्गीय अमिताभ चौधरी, उसको जेएससीए स्टेडियम में दारू पी के उठा के पटक दिया फिजिकली, तो अमिताभ चौधरी को उसको माफ करना पड़ा, क्योंकि वो भी पीते थे, वो भी पीता था, तो ये सब चीजें मैंने आग से देखी की है, वो मैं बोल रहा हूं, तो और सच्चाई यही है, सात्विक भोजन कीजिए, सात्विक सोचिए, अब मतलब अपने को कंट्रोल में रखिए, तो दुनिया में, सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, आपकी अच्छी लाइफ होगी, अच्छी फैमिली होगी, अच्छी जिंदगी होगी, तो इसीलिए मैं हर बार अमिताभ जो कहता हूं, जो हम लोग जो ये जिस इतने ग्रुप में है, इस किस के इस तरह के लोग केवल 1% है, आई रिपीट, वल या उससे कम पूरे संसार में, बस इतना ही, मैं कुमार जी के बातों को अनुभव या अपना अनुभव शेयर किया, और कोई बात नहीं, थैंक यू सर, सो नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहा नागेश जी ने, बहुत अच्छा कहा, अमेरिका से हमारे गार्जियन ये एन प्रसाद जी भी जुड़े हुए हैं, हम प्रसाद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कुछ बोलें, प्रसाद साहब वहां पर जो कल्चर है पीने का पिलाने का, और यहाँ जो कल्चर है, हालांकि बिहार में भी बहुत अभी एकदम खुलेआम चल रहा है, दोनों में क्या अंतर है, और इसको रोकने के लिए ये जो दिशा काम कर रही है, जिसके फाउंडर सेक्रेटरी हमारे दीपक जी हैं, इनको और भी कौन सा कदम उठाना चाहिए, तो इस संबंध में कुछ बोलना चाहें तो मैं प्रसाद साहब से आग्रह करूंगा अपने अनुभव को शेयर करें, प्रसाद साहब एन प्रसाद साहब, अरे हेलो, आवाज आ, तो पहले तो देखिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ कि देर हुआ हमें ज्वाइन करते समय, विमल जी के बारे में मैं सुन चुका हूँ दास साहब से, आज खास उनका जो वक्तव्य हुआ उसे हम नहीं सुन सके, इसका हमको अफसोस तो रहेगा, और ये विषय ऐसा है जिसमें हम
जो कितनी बातें हुई हम तो नहीं सुन पाए हैं, लेकिन अभी आपने पूछा है उस सवाल का जवाब कोशिश करके हम देना चाहते हैं। मैंने इस बात देखा है हाँ अमेरिका में कि दो तरह की बातें, हम लोग तो जनरली यहाँ पर जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स है उसके बारे में तो यहाँ कुछ खास हमको फर्क नहीं पड़ता है, जैसा पहले था वैसा ही होगा, और यहाँ कंट्रोल तो रहता है लोगों का, ऐसा नहीं है कि सड़क पर दारू पी करके पड़े हुए हैं या उनका व्यवहार या उनका या वायलेंस की के इंसिडेंट्स के सामने आते हैं, ऐसा तो नहीं देखा है। लेकिन अभी मैं सुन रहा हूं कि यहाँ कोकेन का यूज काफी बढ़ गया है, और कोकेन नशे का एक बहुत पुराना वो सबसे मेरा ख्याल है कि कहना मुश्किल होगा कि जो एक पहला नशा था हेरोइन और दूसरा नशा है कोकेन, इसमें कौन सा ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने देखा है कि प्रोडक्शन जो हेरोइन का है वो ज्यादा है होता है, और उसकी उसकी उसका यूज भी उसी तरह उसी प्रोपोर्शन में उसका यूज भी ज्यादा होता है। कोकेन पर शायद मेरे ख्याल है काफी कंट्रोल हुआ है, मैं अपडेटेड नहीं हूं, लेकिन आपका सवाल तो इतना ही था जिसका जवाब मैंने दिया कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स में कोई यहाँ मुझे लगता है कि समाज में उसका इस्तेमाल बहुत कंट्रोल्ड तरीके से होता है, लोग उसको एक खाने पीने की सामग्री जैसा ही इस्तेमाल करते हैं, डाइनिंग टेबल पर ड्रिंक रखा रहता है, और बिल्कुल अनकंट्रोल्ड बिहेवियर ऑफ यूजर्स और एडिक्ट्स ऐसा नहीं देखने को मिलता है, ऐसा नहीं देखने को मिलता है अमेरिका में, तो नहीं मिलता है देखने को। हम लोग तो बहुत ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं अमेरिका में, मौका नहीं मिलता है, एक जगह आए हैं तो वहीं बैठे हैं। अब ऑस्टिन टेक्सास में जहाँ पर हम हैं अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन मेरा ख्याल है जरूर जो बड़े सिटीज हैं न्यूयॉर्क हैं ऐसी सिटीज जो खास करके साउथ अमेरिका के नज़दीक हैं, साउथ अमेरिका के नज़दीक तो ये भी है टेक्सास भी है, लेकिन नहीं देखा टेक्सास में जहाँ काफ़ी कंट्रोल्ड है यहाँ पर, और गाड़ियों पर जैसे वहाँ पर रोक करके अल्कोहल का टेस्ट करते हैं ऐसा तो हमने नहीं देखा है, कई बार गाड़ी पर चलने का मौका मिला है। बहरहाल आपने कहा हमें कुछ दो चार शब्द कहना है, तो मैं जानता हूँ बहुत विद्वान व्यक्ति के वक्तव्य से आज मैं महरूम रहा, उसका अफसोस रहेगा, फिर बाद में कभी मौका मिलेगा, आपकी रिकॉर्डिंग होती है तो उसके बाद सुन ही लेंगे, उसको सुन लेंगे, बस इतना ही कहना था आपसे, और आप इतनी निष्ठा से आप इस प्रोग्राम को करते जा रहे हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बात सुनी, चंद्रशेखर खान जी की बात सुनी, अभी नागेश जी की बात सुनी तो अच्छा लगा, अफसोस हुआ कि हम बहुत नज़दीक समय पर नहीं आए, नहीं आने का वजह है कि कहीं भी बाहर जाते हैं तो समय का तो फर्क ऐसा हो जाता है कभी कभी, हाँ कभी कभी उसमें अपने आप को बिल्कुल समय के अनुसार
काम नहीं हो पाता है, जैसे अभी यहाँ पर अभी तो यहाँ पर नाश्ते का सामान खाने का समय हो रहा है, सुबह का 9-10 बज रहा है। हाँ नहीं 9 थे, अभी तो 10:15 बज रहा है यहाँ पर। हाँ तो ठीक, नहीं समय तो ठीक है आपका, समय तो ठीक है, लेकिन बाहर जाने पर कहाँ समय पर सोना समय पर उठना होता नहीं ना है। कोई आ गए तो 2 बजे रात को कभी सोए हैं, 3 बजे कभी सोने का मौका मिलता है। माफ करिएगा, बहुत आप लोगों का आभार है कि आपको याद कर लेते हैं, बहुत आभार है, बहुत बहुत कृपा है आप लोगों की, बहुत कृपा है। और नशे पर जो बात हुई है, हम चाहते थे सुनना कि कितना ये प्रॉब्लम बढ़ गया है या इतना बहुत अनकंट्रोल तो नहीं हो गया है। एक बात मैं बता दूं आपको, अगर सुनना चाहें कि एक हायरार्की है नशे का। सबसे पहला कदम जो है हायरार्की में, ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स का होता है, बल्कि उसके पहले ठहरा वाली बात होती है। लेकिन जब इससे बहुत ज़्यादा पैसा बन जाता है, पैसा ही बनता है ना, इस धंधे में पैसा ही है, कुछ पैसे से बर्बाद होते हैं और कुछ पैसे से एकदम बहुत आबाद हो जाते हैं। तो जो लोग आबाद हो जाते हैं वो समाज पर वो कई तरह से उनका प्रभाव पड़ता है। एक पहला प्रभाव तो पड़ता है कि समाज के उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा जब आ जाता है तब वो चाहते हैं कि हम पावरफुल बने, तो उसके बाद वो रुकते नहीं है, तो खोजते हैं कि कौन सा ऐसा दूसरा पदार्थ है जिसके नशे को जिसमें हमको ज़्यादा फायदा है। तो वो आप जो जिसकी बात आप लोग कर रहे हैं नशे की बात, या मुझे सुना नहीं, ओपियम बेस जो नशा होता है, अफीम हुआ और अफीम से निकली हुई चीज़ें कुछ होती हैं, उसके बारे में चर्चा हुई क्या नहीं, जो जिसको हम लोग पुड़िया में रहते हैं, पुड़िया वाली, वो भी तो मैंने देख सुना है कि काफ़ी शाहबाद डिस्ट्रिक्ट में, शाहबाद डिस्ट्रिक्ट तो अब नहीं है, आरा भभुआ वो सब एरिया में मैंने देखा है कि वो, मैंने सुना है, अभी आज की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ परसों पहले की बात कर रहा हूँ, कि लोग ये बहुत एक सामाजिक समस्या, बड़ी समस्या हो गई है वहाँ पर, शादी ब्याह वाले में बात आपने सुनी ही होगी। लेकिन इसके पीछे जो पैसा बनता है वो रुकता नहीं है, वो और बड़े बड़े ज्यादा खतरनाक नशे से जुड़ा रहता है, और उसके भी आगे जो सोचिएगा तो ये आर्म्स से भी जुड़ा हुआ है। तो ये धंधा, क्योंकि ये जो लोग इसमें जुड़ जाते हैं वो क्रिमिनल माइंड के होते हैं, और वो क्रिमिनल माइंड से संतोष उनको नहीं होता है, उनको पावर चाहिए, तो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं या उससे उसको कंट्रोल करते हैं, इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। इसलिए हम लोगों का ये समस्या है, एडिक्शन का तो साथ है ही, एडिक्शन का तो प्रॉब्लम रहा है ही, लेकिन बेसिकली हमें लगता है कि ये स्टेट पावर को इतना उसका विल पावर इतना होना चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्ती के साथ कंट्रोल करे। बिना सख्ती के साथ से करते ही तो ऐसा है नहीं कि अब एडिक्शन सेंटर बढ़ाते जाइए, लेकिन ये आसानी से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये सप्लाई इसका, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। डिमांड बढ़ता ही जाएगा, लेकिन इसको सप्लाई कंट्रोल करने से, अब अमेरिका ने किया है, एक दो तरह के जो ड्रग्स हैं उसको सप्लाई करने से उसके सप्लाई को कंट्रोल किया है, और दूसरा एक इकोनॉमिक जो तरीका है, सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन ये है कि अब उसको जो चीज़ इलीगल होती है
उसको लीगलाइज कर देते हैं। तो ऐसा मैंने सुना है यहाँ पर मरिजुआना उसको लीगलाइज कर दिया गया है। तो बात भी ठीक है कि अब लोग अगर हेरोइन को छोड़ करके मरिजुआना में लग जाएंगे तो उसका डिमांड घट जाएगा। तो हेरोइन का डिमांड अगर घट जाएगा तो हेरोइन से जो जो मुनाफा है वो बहुत एस्ट्रोनॉमिकल होता है, बहुत एस्ट्रोनॉमिकल होता है। सर यहाँ मैं आपको रोक के एक छोटी सी बात कह रहा हूँ सर, ये सच है, 20 साल के बाद 31 ग्राम हीरोइन पाए जाने के कारण 2018 में एक महिला पकड़ी गई, उसको अभी पिछले हफ्ता उसका फांसी की सजा दी गई है सिंगापुर में। ये सच्ची बात है, रूल शुड बी स्ट्रिक्ट, मैं कह रहा हूँ। थैंक यू सर। नहीं नहीं आप नागेश जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत सटीक बात कही है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम लोग गलती पहले करते हैं उसके बाद सुधार करते हैं। अब गलती हुई है, बहुत जबरदस्त गलती हुई है कि इतनी सख्त सजा का हम लोगों ने प्रोविजन किया है, इतनी सख्त सजा का। बहुत सारे लोग छोटा सा सुई बराबर इस्तेमाल करते हैं। देखिए एक बड़ी बात है, मुझे जानते होंगे कि ये जो इन चीजों का दुरुपयोग होना एक अलग बात है, और इसको किसी पर्पस से लोग लेते हैं। आपको ये पता है होगा कि इससे बढ़िया दर्द की दवा कोई है ही नहीं। हमारा तो हमको हम तो खुद ही देखते हैं, हमारा पैर इतना दर्द करता है। हम जानते हैं कि अगर हम ये नशे वाली दवाइयों से अपना उपचार अगर करें छोटे छोटे अमाउंट में वैसे दवाइयों से, तो ज्यादा 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 तकलीफ कम होगी। और आपको मैं बताऊं कि इंग्लैंड ने सारे देशों ने हेरोइन को प्रोहिबिट कर दिया था, लेकिन इंग्लैंड ने नहीं प्रोहिबिट किया बहुत दिनों तक। उनका कहना था कि ये तो ऐसी चीज है जो एक्सट्रीम दर्द, जब एक बिल्कुल इम्पॉसिबल है उसको सहन करना, वैसे सिचुएशन में वो इसी का इस्तेमाल करते हैं दर्द के, दर्द दर्द से छुटकारा पाने के लिए। और ये चीजें डेरिवेटिव्स डेंजरस होते हैं। तो आप तो जानते हैं बहुत सारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स देखने में पत्ता है, लेकिन वो पत्ता से अगर आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे पॉइजन्स निकल सकते हैं, इतने खतरनाक पॉइजन्स निकल सकते हैं, जान ले सकते हैं। वैसे तो सूखा हुआ पत्ता दिखाई पड़ेगा, कोकेन क्या है, उसका पत्ता ही है, कोकोआ का पत्ता है। और ऐसे कितने लीव्स हैं, बोटानिकल लीव्स हैं, जिसके भीतर इतना पॉइजन भरा हुआ रहता है, उसको एक्सट्रैक्ट करके, लेकिन बाहर से तो वो कुछ नहीं दिखाई पड़ता, बाहर से तो पत्ता ही है। वो कहने का अर्थ यही है कि हम लोग बहुत बहुत ज्यादा साइंस का मिसयूज भी करते हैं। अब वो अफीम है, अफीम से इतनी अच्छी दवाएं निकल रही थी, कफ सिरप में आप जानते होंगे कि अफीम का ही एक्सट्रैक्शन होता है, उसी से इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी दो चीजें हैं, इन सबका बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है, बहुत अच्छा उनका बीमारियों से छुटकारा पाने में उनका उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन ये जो क्रिमिनल माइंड्स हैं, जो जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर जो इन्फोर्स करने वाले हैं उनसे जुड़े हुए हैं, पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं, और इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ मनी नहीं है, इनका ऑब्जेक्टिव पावर भी अब नहीं है। हमको तो लगता है कि जैसे तालिबान एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा एपिसोड हुआ कि आप सोचे कि ये लोग सब संतुष्ट नहीं थे पैसे से, ये चाहते थे कि हम
हम राजा ही बन जाए, और बन ही गए। स्टेट को एक स्टेट ही बना दिया उन्होंने। उस धंधे से इतना पैसा कमाया, इतना पावर उनको मिला और इतने आर्म्स उनको मिले, उनके हाथ में इतनी शक्ति आ गई कि इतनी शक्तिशाली एक इलीगल संस्था जिसका समाज में कोई स्थान नहीं है, समाज में उसका कोई स्थान नहीं है, वह वैसी संस्था देश का राजा बन जाती है। तो ये सोचने वाली बात है कि इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ दारू पिला करके कुछ पैसे नहीं कमाना है। ये जब इनका एक नेटवर्क है, वो इंटरनेशनल नेटवर्क है, और ये इस इंटरनेशनल नेटवर्क के लीडर हैं, और इनका इनका ये तब तक रुकेंगे नहीं जब तक ये अपने आप को वहां का देशों का रूलर नहीं बना रहे। कोलंबिया में खैरियत है, बच गए, अमेरिका में नहीं तो यहाँ। लेकिन इतना इतना एग्रेसिव तरीके से नशे को रोकने की, जो नशे वाले लोगों को रोकने की जो जो इनिशिएटिव अमेरिका ने लिया, तो वैसा तो सब सारे देश नहीं ले सकते हैं। अब हम लोग सफर कर रहे हैं म्यांमार से, वही चीज बड़े आराम से आती है, इसलिए कि वहां से रिफ्यूजीज भी आते हैं और आकर के यहाँ पर यहाँ मणिपुर में सेटल किए कर गए, और उनका धंधा बड़े आराम से बर्मा से चल रहा, मतलब म्यांमार से चल रहा था, अभी भी चल रहा होगा, मुझे पता नहीं है, इतना मैं अपडेटेड नहीं हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या केवल सामाजिक ही नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है राजनैतिक और सामाजिक और आर्थिक, इन समस्याओं से जुड़ी हुई है, और पिस रहे हैं लोग जो बिल्कुल इनोसेंट लोग हैं, बिल्कुल पिस रहे हैं। बस इतना ही कहना था, आप लोगों ने दो बात को मौका दिया, बड़े बड़े बहुत आभार है आप सब लोगों का, और क्या कहूँ, आप बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर आ गए, और हमारे जोशी जी बीच में हैं। जोशी जी जोशी जी आप बहुत अच्छा लगा, और कुमार दीपक साहब तो बहुत अच्छे स्पीकर हैं, और आप डिजास्टर के यूएनडीपी में, उत्तर प्रदेश में यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें बड़े स्टेट ऑफिसर्स के रूप में भी रहे हैं, और आजकल उत्तर प्रदेश सरकार में आप कंसल्टेंट का भी काम कर रहे हैं थ्रू SIRD। तो मैं चाहूँगा कि अगली वार्ता आपके, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में जैसे यहाँ पे विनय शुक्ला और ये ब्रजभूषण लाल जी भी हैं, तो ये लोग कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं, तो ऐसे लोगों को जो हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं यूथ के, जो ये चाहते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन मिले जिससे कि जिसका कि फायदा हुए अपने कंपटीशन एग्जाम में भी लगाएं, तो मैं अमिताभ जी आपसे अनुरोध करूंगा कि कुमार दीपक साहब से आप अनुरोध करें कि डिजास्टर पे एक जनरल वार्ता जो एक सिटीजन के लिए भी लाभकारी हो, और एक कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी लाभकारी रहेगी, तो डिजास्टर मैनेजमेंट पे इस तरह की एक वार्ता कुमार दीपक जी से आप करवा लें, क्योंकि सर को बहुत अच्छा अनुभव है, और वो थ्योरेटिकल अनुभव नहीं बल्कि प्रैक्टिकल अनुभव है, आपने बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कई डिस्ट्रिक्ट में वर्क किया है और करवाया है, तो ये तो मेरा अनुरोध रहा। और आज की जो वार्ता रही वो बहुत ही अच्छी रही, और मैं इसमें ये कहूँगा कि नशा एक गंभीर सामाजिक बुराई है, और ऐसी बुराई है जिससे इंसान अपना अनमोल जीवन खत्म कर देता है। जैसे कि नागेश जी ने भी कहा कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक यंग लड़के की अकाल मृत्यु हो गई क्योंकि वो किसी नशे में लिप्त था। तो नशे के लिए समाज में शराब, गांजा, भांग, अफीम, जर्दा, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम, स्मैक, कोकीन, ब्राउन शुगर जैसे घातक पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति अपनी शारीरिक
मानसिक और आर्थिक नुकसान करता है। आर्थिक नुकसान भी बड़ा जबरदस्त होता है और इतना जबरदस्त होता है कि लोग सुसाइड करते हैं। आपने जगह जगह पे देखा है कि IITs में, MBA इंस्टीट्यूशन में, मेडिकल कॉलेज में जो लड़के तैयारी करते हैं अपने एग्जाम्स की, वो क्या करते हैं कि एडिक्ट हो जाते हैं। पहले छोटी मात्रा में लेते हैं, फिर ज़्यादा लेने लगते हैं और आर्थिक स्थिति भी उनकी ख़राब हो जाती है, मानसिक स्थिति भी ख़राब हो जाती है और वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये एक गंभीर बीमारी है जिसको कि हमको चेक करना है। और जब बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, अफीम या चरस पीने वालों को जब तक भरपूर नशा प्राप्त नहीं होता, तब वे क्या करते हैं, हीरोइन जैसे मादक पदार्थों की ओर अग्रसर होते हैं। नशा किसी भी प्रकार का हो, व्यक्ति के विनाश, निर्धनता और मृत्यु के द्वार खोल देता है। परिवार टूट जाते हैं। आज का युवा शराब, हीरोइन जैसे मादक पदार्थों का नशा ही नहीं बल्कि कुछ दवाओं का भी इस्तेमाल कर रहा है और इससे क्या होता है कि वो मानव जीवन की से असुर जीवन की ओर चले जाते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है सभी का कि हम इस आसुरी प्रवृत्ति को रोकें, समाप्त करें। दीपक जी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई इन्होंने डॉक्टर्स हायर करे हुए हैं, MBBS डॉक्टर्स हैं। मैं एक बार, शायद इनको याद हो या ना हो, SIRD के किसी कार्यक्रम से मैं गया था तो मैंने इनके हॉस्पिटल्स का भी विजिट किया। किस प्रकार से ये वहाँ पे पेशेंट को रखते हैं और किस प्रकार उनको अवेयर करते हैं और अंत में जब वो वहाँ से बिल्कुल बीमारी से मुक्त हो जाते हैं उसके बाद दीपक सर उनके एम्प्लॉयमेंट का भी काम देखते हैं। तो एक बहुत अच्छे व्यक्ति को अमिताभ जी आपने जोड़ा है और मैं कहता हूँ कि अच्छे काम के लिए कम लोग जुड़ते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ 50 या 60 लोग इस ग्रुप में आते थे। तो एक अच्छा आज वार्ता दी दीपक जी ने, तो इसका लाभ भी अगर ज्यादा लोग होते तो वो भी उठाते। खैर फिलहाल आप दीपक जी से अनुरोध है कि अमिताभ जी की बात में आप जो सलाह मिले या जो रिक्वेस्ट मिले उस पर ध्यान दीजिएगा और एक जल्दी ही डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया उस पर सारे प्रोग्राम दें। और आप बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, आपके पास बहुत शानदार PPTs हैं। मैं जानता हूँ बिहार के श्री KK सिन्हा साहब जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त थे, उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू रहे हुए भी कभी कभी, और दूसरे IAS अधिकारी जो भूसा रेड्डी साहब, कई लोग ऐसे हैं जो आपसे सलाह लेते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के संबंध में, आपके PPT शेयर करते हैं, आपके द्वारा लिखी हुई किताबों को कंसल्ट करते हैं कई लोग। तो ऐसे अच्छे अधिकारी से अमिताभ जी आपसे अनुरोध है कि आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट पे सर को बुलाएं और आमंत्रित करें। थैंक यू, इतना ही मुझे आज कहना है। थैंक यू अमिताभ जी, थैंक यू दीपक जी, और थैंक यू दो हमारे यंगस्टर आए हैं बीबी लाल साहब और शुक्ला जी, तो इनका भी आभारी हूँ। हमारे प्रोग्राम में बहुत मतलब डिस्टिंग्विश पर्सन आते हैं जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से रिटायर हुए, इंडियन फॉरेन सर्विस से रिटायर हुए। श्री चंद्रेश्वर खान साहब हैं जो कि MBAs के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, गेस्ट फैकल्टी के रूप में जाते हैं। श्री नागेश जी जो कि ब्रिलियंट स्कॉलर रहे हैं और बहुत अच्छे पद से बिहार के सरकार के पद से के सरकारी पद से रिटायर हुए हैं। श्री अखोरी महेश्वर प्रसाद, उनकी तो हमारे लिए, हमारे ग्रुप के लिए अनुकरणीय है सर। किस तरह उनके, चाहे हिंदी की वार्ता हो चाहे अंग्रेजी की वार्ता हो, किन शब्दों का वो चयन करते हैं और उनकी फ्लो, उनकी बॉडी लैंग्वेज सभी एक तरह से अनुकरणीय है हम सबके लिए। और सर भारत सरकार के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से रिटायर हुए हैं और इतना अच्छा अनुभव है सर को कि किसी भी विषय पे उनसे अगर रिक्वेस्ट की जाए या किसी भी विषय पे वार्ता प्रारंभ करानी हो तो हम उन्हीं से अनुरोध करते हैं। तो AM प्रसाद साहब का बहुत आभारी हूँ कि सर आप आए और हम सबको मार्गदर्शन दिया। इसके अलावा अमिताभ जी ने श्री राम फाउंडेशन और लोगों को भी जोड़ा है, उनके नाम यहाँ मैं नहीं देख पा रहा क्योंकि आई साइड की मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उन्होंने भी प्रतिभाग किया और मैं समझता हूँ कि बिहार प्रांत के लिए, क्योंकि इसमें अधिकार बिहार से लोग जुड़ते हैं, तो ये आपकी जो वार्ता है कुमार दीपक जी, रियली अगर देखा जाए तो
नॉलेज भी बढ़ाती है, स्किल भी बढ़ाती है और एटीट्यूड भी प्रदान करती है। नॉलेज से हमें कॉन्फिडेंस आता है और एटीट्यूड से हमें विलिंगनेस आती है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अमिताभ जी, थैंक यू दीपक जी। थैंक यू सर, और आपको जानकर खुशी होगी कि कुमार साहब ने हम लोगों से पहले ही, हम लोगों में पहले ही बातचीत हो चुकी है, और ये भी पता चला है कि जोशी जी भी डिजास्टर के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। आप दोनों मिलके यूपी में करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि अगली बार हम जोशी जी को लेके हम करेंगे प्रोग्राम, तो हम लोग अगली बार मतलब उनके ये कुमार साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो फिर डिजास्टर मैनेजमेंट पर कुछ प्रोग्राम दें। हमारे बीच में ब्रिजभूषण जी और ये विनय शुक्ला जी हैं, वो लोग भी कुछ बोलना चाहें नशा विमुक्ति के लिए, तो वो लोग कुछ पूछना चाहें बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। ब्रिजभूषण लाल जी, ब्रिजभूषण लाल जी, ब्रिजभूषण लाल जी, लगता है वहां पे कुछ नेट प्रॉब्लम है। अच्छा, और ये विनय शुक्ला, विनय शुक्ला जी, विनय शुक्ला जी, खैर तो अब इस पर बहुत बात। लेकिन एक प्रश्न आता है कि ये जो संस्था चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं दीपक जी, इसका फंडिंग सरकार से मिलता है या कैसे करते हैं? आपका माइक म्यूट है भाई। 2005 तक हम लोग सरकार से मदद लेते थे। 2005 के बाद हम लोग जो है वो ATG 12A के लेने के बाद हम लोग कुछ डोनर्स हमारे हैं जो मदद करते हैं, और हमने बताया कि हम लोग एक कंपनी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी, जहां पर जैसे नर्सिंग होम का इलाज होता है तो जो AC चाहते हैं, सुविधा चाहते हैं, उन लोगों को वहां हम लोग इलाज करते हैं, और उसी फंड को फिर हम लोग गरीबों के इलाज के लिए खर्च कर देते हैं। तो जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है तो वो तो बहुत बड़े टर्नओवर के साथ जुड़ा होता है। हम लोगों ने इस फंड के प्रॉब्लम को इस तरह से टैकल किया कि हम लोगों को सरकार के फंड पर आश्रित नहीं रहना पड़े। तो इसमें सारे लोग, हर एक सेक्टर, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की हम लोग मदद कर लेते हैं। तो हम फंड किसी से लेते नहीं है, अपनी जीविका मेरी जो है एज ए कंसल्टेंट के रूप में मैं अपना चलाता हूँ, और अपनी सेवा जो है वो मैं देता हूँ। हम लोग दो बेगड़ होम भी चला रहे हैं पटना में, शांति कुटीर महिला पुनर्वास केंद्र, जिसको मुख्यमंत्री ने अपनी योजना के साथ हम लोग को दिया था, जिसमें जो बेगड़ भीख मांगती है सड़क में, हनुमान मंदिर और कहीं भी, उन लोगों को ला करके 2014 से ही हम लोग उसको रखते हैं। उनकी भी मानसिक समस्या हो जाती है, कभी कभी भूल जाती हैं कहाँ से आई हैं क्या है, तो उनका साइकेट्री इलाज भी करते हैं और उनको फिर रिपार्ट भी करते हैं, जहाँ की वो हैं वहाँ उनका घर पता, जैसे आधार कार्ड बनवाने के क्रम में उनका पता पता चल गया, और उनको फिर अगर कोई एडॉप्ट जो ले नहीं पाता है, कोई हो सकता है उनका गूंगी हो या बोल नहीं पा रही हो, उनको फिर रिहैबिलिटेट करते हैं हम लोग। तो 2014 से वो जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोग जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके सेक्शन से हम लोग मदद भी लेते हैं। तो वो 50-50 बेडेड दो हॉस्पिटल, दो जो है वो रिहैबिलिटेशन होम है फॉर द वीमेन जो बेगिंग में लगी है। एक्चुअली पहले एक था हमारा, उसको देखने के लिए वो मंत्रालय जो सोशल जस्टिस इंपॉर्टेंट है उसकी टीम आई, और उन लोगों ने इसको 10 मतलब पूरे उसी को देख करके मॉडल बनाया 10 सिटी में उस कार्यक्रम को लेकर के, और पटना सिटी का जो कार्यक्रम था फिर हम लोग को ही दे दिया। तो हम लोग के पाटलिपुत्रा कॉलोनी में दो हम लोग उस तरह के भी कार्य कर रहे हैं, जो वैसे दबे कुचले और जो गरीब महिला जो सड़क पर आ जाती है उनके लिए। बहुत अच्छा, अब हम चाहेंगे अपने विद्वान श्री चंद्रेश्वर खान साहब से और अमृत बानी लास्ट में कुछ सुना दें, और हमारे दीपक जी का उत्साह बढ़े और हम लोग का सबका उत्साह बढ़े,
कल हम लोग पेटेंट एंड ट्रेडमार्क पर डिस्कस करेंगे। एक यंग बहुत ही डायनामिक अमेरिका से क्वालिफाइड, वो आएंगे बेंगलोर से बोलेंगे, और चैतन्य सिंह जी उसमें भी आप सबको आइएगा, दीपक जी आप भी आइएगा। कल रविवार का दिन है, ये चंद्रेश्वर खान साहब, चंद्रेश्वर खान साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी अपने आप में दीपक हैं, और इस अंधेरे में ये जहां पहुंचते हैं तो दीपक पहुंचा तो उजाला हो जाता है, क्योंकि अंधेरे का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, किसी दीपक का अभाव होता है तब अंधेरा है। तो आप जो प्रकाश ला रहे हैं, रोशनी ला रहे हैं, और एक नई दिशा दे रहे हैं और दशा को बदल रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप दीर्घायु हो और समाज को इस तरह की सेवा मिलती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने सभी मित्रों के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आप फिर आएंगे, फिर हम लोग मिलेंगे और ये सिलसिला जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। चंद्रेश्वर खान साहब को नमस्कार, जोशी जी को नमस्कार, नागेश जी को नमस्कार, दीपक जी को नमस्कार, और बहुत अच्छा लगा। श्री राम फाउंडेशन से जो आए हैं अपना फोन नंबर हमें दे देंगे, तो हर बार आपको हम अपने सब प्रोग्राम का डिटेल आपको भेजते रहेंगे, और इसकी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी होगी। हमारे नए ये मतलब आशीष जी फ्रॉम लखनऊ और विनय शुक्ला जी और जोशी जी, ये लोग मिल करके रिकॉर्डिंग करवा देते हैं, थोड़े देर में रिकॉर्डिंग आ जाएगी हमारे ग्रुप में, और इन लोगों का भी हम आभार प्रकट करते हैं। और हम लोग फिर कल मिलते हैं, कल जरूर मिलेंगे, और एक नया ज्वलंत टॉपिक के बारे में जानेंगे। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क नोट कर लिया जाए, हम नंबर नोट कर लेते हैं, नंबर नोट कर लेते हैं, व्हाट्सएप में मेरा ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जो नंबर है वही नंबर है, उसके अलावा एक 94 वाला है। एक मिनट हम नोट कर लेते हैं, और हाँ बताया जाए जी, 94 94 300 30 973 श्याम विनय कुमार सिंह शिवहर बिहार। अच्छा शिवहर बिहार, विनायक जी श्री राम फाउंडेशन, आप भी हमारे बीच में कभी कभी कुछ कुछ बोला करिएगा जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सर लोगों से कुछ सीखने का मिलता है है जी जी, बहुत कुछ दीपक सर से आज सीखने को मिला है, धन्यवाद। हाँ जी जी, तो दीपक जी, हाँ दीपक जी तो बहुत बड़े विद्वान हैं और बड़े बड़े आईएएस बड़े बड़े लोगों को पढ़ाते हैं, तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि दीपक जी हमारे बीच में आ गए हैं, और हमारे जितने भी 236 मेंबर हैं सब एक से एक हैं। तो आप जब आते रहिएगा, चलते रहिएगा, आप भी बोलिएगा, तो बहुत सा नॉलेज मिलेगा और बहुत सा ज्ञान मिलेगा, और खासकर नए नए लड़के यदि करेंगे तो उनको परीक्षा देने में भी सुविधा मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो हम लोग इसमें जुटे हैं, और जितनी भी हमारे अनुभवी रिटायर्ड लोग हैं सब लोग, मतलब आईएएस आईपीएस आईएफएस सब लोग जुड़े हुए हैं, और इससे क्या है कि तरह तरह का ज्ञान हम लोगों को मिलता है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, तो जब जब जरूरत पड़े उसको देख करके रिवाइज भी करते रहेंगे हम लोग। तो कल हम चाहेंगे कि आप भी आइए श्री राम फाउंडेशन वाले, और ये शिवहर से जो आए हैं, और बाकी सभी लोग आए, प्रसाद साहब, उमेश जी, नागेश जी, कुमार, दीपक, और ये लोगों के बिना हमारा मतलब ग्रुप अच्छा, मतलब उसमें सुना सुना लगता है। प्रसाद साहब वहां से अमेरिका से आते हैं, और उनकी आज बेटी नहीं है, अमृता अधिकारी और कुछ लोग
और भी हम बोले थे, तो कुछ लोग अब ठीक है, अगली बार कल देखते हैं, कल और लोग आएंगे। और डिजास्टर मैनेजमेंट तो में तो उम्मीद है बहुत सारे लोग आएंगे, हम लोग फिर ज्ञान को शेयर करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम सभी को, प्रणाम सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी को।